तीन दिनों की तेजी पर लगता हुआ ब्रेक और दबाव के साथ कारोबार करते हुए बाजार 17,600 के करीब है निफ्टी। आखिरी डेढ़ घंटा वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का, आएगी रिकवरी या फिर दिखेगी आज कमजोर क्लोजिंग, क्या करें बचे हुए डेढ़ घंटे में और क्या करें कल की तैयारी, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकली एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा दबाव एक्सपेक्टेड था, थोड़े ग्लोबल संकेत भी सुस्त हैं और इसी का इंपैक्ट हमारे बाजारों पर भी देख रहे हैं, पर नतीजों के लिहाज से बड़ा एक्शन है और आने वाले डेढ़ घंटे में भी कुछ नतीजे आएंगे। तो आइए उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं सर के साथ इस समय की बड़ी बातें। दिन के निचले स्तरों के करीब है बाजार, 17,600 के आसपास, यहीं पर आज बाजार ने अपने निचले स्तर देखे और 39,100 के आसपास का लोअर लेवल देखकर बैंक निफ्टी उसके आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा है। आईटी, प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसी और रियल एस्टेट, ये चारों सेक्टर ऐसे जो पिछले दो दिनों में बड़े तेज थे, आज वहीं पर मुनाफा वसूली होती दिख रही है। लेकिन ऑटो और मेटल ये लीड कर रहे हैं आज की रिकवरी को और तेजी को, तो यहां पर अच्छी मजबूती होती दिख रही है। अमेरिकी बाजारों में सुस्ती का माहौल है, स्पेशली डाउ फ्यूचर्स 40 अंक नीचे, हालांकि नैसडेक फ्यूचर्स 2% नीचे, उसे देखकर थोड़ा सा मूड शायद ग्लोबल मार्केट्स में खराब नजर आया, लेकिन डाउ फ्यूचर्स में कोई खास कमजोरी या गिरावट के संकेत नहीं है। यूरोप के बाजारों में मिला जुला कारोबार है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत आप कह सकते हैं मिले जुले इस वक्त आपको नजर आएंगे, तो ये इस वक्त का रुझान है दीप। एब्सोल्युटली, तो थोड़े मिले जुले सुस्त संकेत हैं और जो सुबह से बात चल रही थी अनिल जी, बैंक निफ्टी फिर भी कम दबाव दिखा रहा है, निफ्टी के कंपैरिजन में तो बेटर सिचुएशन है। निफ्टी में भी थोड़ा रोटेशन हो रहा है, एक्चुअली रोटेशन ज्यादा हो रहा है, एक्शन थोड़ा सुस्त है, वैसा बाजार दिख रहा है, क्या रिव्यू बन रहा है सर आपका? एक चीज बताओ कि आज कितनी तारीख, 3 जी, परसों बजट आया था? आया था तो बजट के दिन हम 17,575 पे बंद हुए थे। यस सर, लगभग वहां आ गए जी। तो अगर आपको ये लगता है कि बाजार की लाइफ पे बजट से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, तब तो हमें 17,575 के नीचे बंद होना चाहिए। करेक्ट, और अगर पड़ा है तो बंद नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ठीक है, सही बात है, करेक्ट। हम 1 तारीख को वहां बंद हुए जी, उस दिन का लो 17,244 था। यस, सो पॉइंट ये है, आज की क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस इसीलिए 17,550 का जाता था, इंट्राडे जो 17,650 के आसपास का था वो ट्रिगर हो गया। डे ट्रेडर्स को कहीं कहीं आपको इंट्राडे वोलेटिलिटी को ध्यान में रखना होता है, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उन्हें अभी भी डरने घबराने की जरूरत नहीं। एक अच्छा हेल्दी करेक्शन आपको मिला है, 17,585 के आसपास का आज का लो है, एग्जैक्टली वहीं जाकर रुका है, 17,576 का आपने क्लोजिंग देखा था परसों के सेशन में। सो मेरा ये मानना, हाँ एक चीज जरूर है दीप, अगर 17,575 के नीचे आज बंद होते हैं तो फिर मामला गड़बड़े, फिर कम से कम ज्यादा नहीं, कम से कम 225 पॉइंट जाएंगे अगर गिरे, हाँ, क्योंकि 17,575 के बाद आपके पास 17,350 के पहले कोई ढंग का सपोर्ट नहीं है, तो 225 पॉइंट की जगह खुल जाती है। सो इसलिए आज हमने क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस 25 पॉइंट नीचे का सेफ्टी मार्जिन के साथ दिया था। समझा, बेसिकली 17,575 है सपोर्ट जोन, उसके नीचे हम बंद नहीं होने चाहिए। उसके नीचे बंद हुए तो इसका मतलब यह कि जो बजट की तेजी और बजट से जो सेंटिमेंट सुधरा है, जो मूड अच्छा हो, उस पर एफआईएस की बिकवाली या कुछ और भारी पड़ रहा है। राइट सर, अंडरस्टूड, राइट। सो इसलिए मेरा यह समझना है कि आज क्लोजिंग कहां होती ध्यान रखें। अब आज के एक्शन में जो कमजोरी हुई अनडाउटेडली मेरी उम्मीद से ज्यादा, मैं तो सोच नहीं रहा था कि इतना कमजोर होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो 17,675 ही नहीं तोड़ना था जो कल का लो था। कल का लो तोड़ने के बाद हम वहां से लगभग 100 पॉइंट और निकले, रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है, डेटा भी मैं पढ़ूंगा अभी। लेकिन जो कमजोरी हुई इसमें दो चीजें हो सकती है, एक या तो हमारे बाजार आजकल ज्यादा समझदार हैं और ज्यादातर वक्त अमेरिकी बाजारों में आज रात को क्या होगा इसका अनुमान लगा लेते हैं। हाँ, तो या तो ये हो सकता है कि अमेरिका में आज हल्की कमजोरी वाला सेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है जी। दूसरी चीज ये कि हो सकता है एफआईएस की तरफ से थोड़ी बिकवाली का प्रेशर आज आया हो, हालांकि 2-3 दिन के आंकड़े ठीक है, बुरे नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एफआईएस बहुत अंधाधुंध खरीदारी के मूड में, तो थोड़ा हाथ रोका है, हो सकता है आज ऊपर के लेवल पे फिर से बेचा हो, अब वो डेटा देखकर ही पता चलेगा। फिलहाल एक चीज जो समझ में आती है कि बजट के बाद से जो दो सेशन में आपको एक अच्छी उछाल मिली थी, लगभग 17,800 आप पहुंचे, 17,250 का आपने लो बनाया, यानी कि आप ये समझिए करीबन बजट के दिन के लो से, यानी परसों के लो से आप 550 पॉइंट ऊपर है। यस, और वो 550 पॉइंट का हल्का करेक्शन आपको मिल गया। हाँ, नहीं था। तो अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि ये हल्के फुल्के खरीदारी के लेवल है, विद प्रोटेक्शन, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि आज के स्क्रीन को देखकर आपका खरीदने का मन भी नहीं होगा, हिम्मत भी नहीं होगी, लेकिन 17,550 का स्टॉप लॉस रखकर आप ऐड करें, 75 पॉइंट की 50 मिनट की रिस्क है। अगर आज 17,575 के नीछे आप बंद हो रहे हैं तो छोड़ दें, नहीं बंद हो रहे तो 17,550 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रखें,
वो भी ट्रिगर हो जाए तो जाने दें, अदरवाइज एक रिकवरी आपको मिल सकती है। उस रिकवरी में आप 17,675 पहला टारगेट वहाँ तक जाएंगे और उसके बाद हो सकता है 17,750-775 तक जाने की कोशिश करें, तो ये एक ट्रेड कॉन्ट्रा ट्रेड नीचे के लेवल का बन सकता है। ये तो निफ्टी की बात है। बैंक निफ्टी किसी भी लिहाज से किसी भी सूरत में कहीं भी दूर दूर तक कमजोर नहीं है, मजबूत है। और बैंक निफ्टी के लिए दीप हमने सुबह कहा था कि आपको कमजोरी सिर्फ और सिर्फ गिननी है 39,000 के नीचे से। करेक्ट सर, 17,700 के नीचे से निफ्टी में गिननी थी वो आ गया। बैंक निफ्टी में 39,100 का लो बनाया है, तो आप कहीं भी कमजोर नहीं है। मौका मिलेगा जब भी बाजार में आपको रिकवरी के संकेत आए, पहले आपको फिर से बैंक निफ्टी खरीदना है। निफ्टी खरीदने के बजाय भले मैं आपको कह रहा हूँ कि 17,550 का स्टॉप लॉस रखें, निफ्टी खरीदें, लेकिन खरीदने का मन हो तो बैंक निफ्टी ही पहले कमाल करता हुआ दिखेगा, ये साफ दिख रहा है। अंडरस्टूड सर, चलिए तो बढ़िया है। तो देखते हैं अब यहाँ से और मूव आती कि नहीं। बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिखाता हुआ, हालांकि दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी पर इस समय दबाव बना हुआ है। आइए फिर बाजार में कहाँ पर है एक्शन ये भी देख लेते हैं। कई सारे नतीजे भी आ रहे हैं, कुछ नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जानते हैं वरुण और कुशल के साथ कि कहाँ पर बन रहा है एक्शन। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स और आने वाले दिनों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट। गुड आफ्टरनून दीपांशु, सबसे पहले ITC के नंबर्स अभी आने बाकी हैं, तो यहाँ पर हमारा फोकस बना रहना चाहिए। इनफैक्ट F&O स्पेस से AB कैपिटल, कोरोमंडल इंटरनेशनल, गेल, लूपिन, PI इंडस्ट्रीज, फाइजर और टॉरेंट पावर अपने नंबर्स डिक्लेयर करती हुई दिखेंगी। ग्लोबली बैंक ऑफ इंग्लैंड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है वो आज होता हुआ दिखेगा फरवरी में, और ECB यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के भी ब्याज दरों पर आज फैसला आएगा। 4 फरवरी कल के दिन में श्री सीमेंट, टाटा स्टील और डिविज लैब अपने निफ्टी से नंबर्स डिक्लेयर करेंगी, और F&O स्पेस की भी लंबी लिस्ट है जिसमें आदित्य बिरला फैशन, एल्केम लैब, एस्ट्रल लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, GNFC, इंटरग्लोब एविएशन, REC और सीमेंस अपने नंबर्स जो हैं पेश करती हुई दिखेंगी। वेदांत फैशंस का भी IPO कल खुलता हुआ दिखेगा, 8 फरवरी तक ये IPO खुला रहेगा। 824 से 866 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यहाँ पर ये IPO प्राइस डिसाइड किया गया है। 17 शेयरों का जो है ये लॉट साइज है और टोटल ये पूरा का पूरा OFS है 3150 करोड़ रुपए का। TVS ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम जो है वो लागू होती हुई दिखेगी, साथ ही एशियन ग्रेनिटो इंडिया इसकी बोर्ड बैठक है फंड जुटाने पर, तो यहां पर भी नजर रखिए। 2 कंपनियां इंटरिम डिविडेंड जिन्होंने ऐलान किया था, चंबल फर्टिलाइजर और साथ ही मैरिको, एक्स डिविडेंड ट्रेड होंगी। एंड ग्लोबल इवेंट के हिसाब से चाइना का मार्केट तो बंद ही रहेगा, ये हफ्ता पूरे ही बंद है, और US के जॉब्स डेटा आते हुए नजर आएंगे जनवरी के, तो यहां पर हमारा बड़ा फोकस रहेगा। और 5 फरवरी SBI अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा, साथ ही F&O स्पेस से आरती इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ बड़ौदा और JK सीमेंट्स के भी नंबर आते हुए नजर आएंगे, और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक करेगा नतीजों के साथ साथ। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स नतीजों के लिहाज से। अभी भी सीजन में कई सारे नंबर्स आना बाकी है। वरुण बताएं, आज भी ढेरों नतीजे आए और कुछ बड़े नतीजे भी ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बताएं कौन से नतीजे हैं, कुछ खबरें भी आप लेकर आए हैं। डेफिनेटली, तो काफी सारे बड़े नतीजे आए हैं। एक तो देखिए रोलेक्स रिंग्स अभी आपके सामने एक छोटा मिड कैप कंपनी के आ रहे हैं, और दूसरा अगर आप इसके अलावा देखेंगे तो कुछ देर पहले रेडिको के नंबर्स आए हैं, इसके अलावा इमामी के भी नंबर्स आए हैं जहाँ पे 209 करोड़ से बढ़कर 220 करोड़ के आसपास आया। 550 रुपये प्रति शेयर के भाव पे 29.5 लाख शेयर जो कंपनी बायबैक कर गई, और 4 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है, ये भी आपको बता देता हूँ। इसके अलावा टाइटन के नतीजे आए हैं, मुनाफा 990 करोड़ पे आया है जो कि अनुमान से बेहतर है। मार्जिन देखिए 11.3% से बढ़कर 14.7% पे आए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, आय भी कंपनी की अच्छी खासी बढ़ी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज मुनाफा 14.3 करोड़ से बढ़कर 38.9 करोड़ पे आया है, हालांकि अनुमान से थोड़ा कम है, और आय जो है 170 करोड़ से बढ़कर 280 करोड़ के आसपास आई है। कैडिला मुनाफा 500 करोड़ के आसपास आया, थोड़े सुस्त नतीजे हैं इस कंपनी के। वरुण बेवरेजेस घाटे से मुनाफे में आई है, कंपनी 19.7 करोड़ के घाटे के मुकाबले 16.5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है, हालांकि मार्जिन जो है उसमें 1% की गिरावट है। कल्याण ज्वेलर्स मुनाफा 115 करोड़ से बढ़कर 135 करोड़ के आसपास आया है, मार्जिन में 1% की गिरावट यहां भी देखी गई है। बारबेक्यू नेशन घाटे से मुनाफे में आई है, 1.3 करोड़ के घाटे के मुकाबले 15 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। अंबिका कॉटन मुनाफा 21 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 50 करोड़ के आसपास आया है। आवास फाइनेंशियल मुनाफा 86 करोड़ से बढ़कर 89 करोड़ पे आया है। कैपलिन पॉइंट मुनाफा जो है 64.5 करोड़ से बढ़कर 75 करोड़ पे आया है। नितिन स्पिनर्स मुनाफा 23 करोड़ से बढ़कर 93 करोड़ के आसपास आया है, और सैक्सॉफ्ट मुनाफा 12 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ के आसपास आया। तो ये वो नतीजे हैं। बोलिए अनिल जी, बोलिए। ये आशीष को नहीं ला पाया मैं, क्योंकि संसद में लोकसभा में एक सत्र होता है, उसमें मतलब जो सत्र चलता है उसमें एक समय होता है, उसको कहते हैं शून्यकाल, जीरो आवर। उसमें ना कोई भी सांसद कुछ किसी भी तरीके से जो सवाल पूछते हैं मंत्रियों से,
उस वो मंत्रियों के सवाल जो उनके डिपार्टमेंट से मिनिस्ट्री से लिख के आते हैं उसके वो जवाब पढ़ते हैं न, वो पूछने वाले भी फॉर्मेलिटी करते हैं मैक्सिमम टाइम पे, और मंत्री जी भी चूंकि पूछा है तो संसद में जवाब देना है, तो न बोलने वाला का इंटरेस्ट है न सुनने वाले का इंटरेस्ट है, बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही थी। अब अनिल जी इतने सारे और सब इम्पोर्टेंट है और इसमें भी काफी सारे हमने छोड़ दिए, काफी सारे निकाल कर आए, और भी लंबी लिस्ट और लंबी लिस्ट। ना ना आप सारे नंबर सारे बताइए आराम से, लेकिन नंबर में थोड़ा हमें मजा आया सबको, ये वाले बढ़िया है ये वाले खराब है। वेदांता यहाँ पे वेदांता रिसोर्सेज के साथ जो मर्जर है उसकी खबर का खंडन इस कंपनी ने किया है। TCS टर्म एजुकेशन प्रोग्राम का विस्तार जो है ये कंपनी करेगी, ये कंपनी ने अपडेट दिया है। ग्रैनल्स इंडिया डिप्रेशन के इलाज के लिए एक दवा का इस्तेमाल होता है जिसके लिए USFDA की मंजूरी इस कंपनी को मिली है। PSP प्रोजेक्ट, इस कंपनी को 212 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स मिले हैं, कुल दो ऑर्डर मिले हैं 212 करोड़ के, और एक ब्लॉक डील हुई है धनी सर्विसेज में, 3-4 करोड़ शेयर्स के आसपास के बड़े सौदे हुए इस कंपनी में। इसके सुबह से आप देख रहे हैं स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। ओके, तो ये है आपके लिए खबरें, और धनी में स्पेशली बड़ा मूव आया है, बड़ा मूव, बड़े ब्लॉक डील्स के बाद में कितना बड़ा ट्रेड हुआ काफी अनिल जी, 3 करोड़ शेयर। इंटरेस्टिंग, आइए एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, मंसल जी, कुणाल जी, सुमित जी, श्रीकांत जी जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में, सिमी जी, संदीप जी और हिमांशु गुप्ता साहब, आप सबका स्वागत है। शुरुआत का क्लोजिंग शो का पहला बिगुल हिमांशु जी के लिए। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु जी। अनिल जी, स्पेशल कॉल है ये एक तरफ से मेरी तरफ से, कैश मार्केट का स्टॉक है और स्टॉक का नाम है रूपा। अनिल जी, ये स्टॉक बहुत ही शानदार एक अपट्रेंड में है, दो हफ्ते पहले स्टॉक ने एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था, लेकिन बाजार में जिस तरह की वॉलेटिलिटी थी उसके चलते स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया, और अब वापस से ये स्टॉक अच्छा सपोर्ट लेने के बाद एक बड़े मूव के लिए तैयार है। एज वी स्पीक स्टॉक ने इंट्राडे चार्ट्स पे 535-538 रुपए के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत टेक्निकल ब्रेकआउट दे दिया है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में यहाँ से एक जबरदस्त तेजी बनते हुए नजर आएगी, एक से दो दिन के नजरिए रखते हुए 554-565-580 तक के टारगेट्स रूपा में आते हुए नजर आ सकते हैं। 520 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ रूपा में खरीदारी की सलाह है। तो रूपा इस पर आप रखें नजर, एक्शन में आ रहा है काउंटर रहा। आज जो सुबह भी रूपा की बात हो रही थी, ऑफ कोर्स हमारा SIP स्टॉक तो है ही, सिद्धार्थ जी भी रेकमेंड करके गए 607 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए, और ट्रेडिंग टारगेट्स अगर आप चाहें तो 554-565 ये है हिमांशु जी की तरफ से पसंद। तो रूपा मोमेंटम में काउंटर आ रहा है, बट एक स्टॉक जो मोमेंटम में रहा है, कल बड़ी गिरावट थी, आज सुबह बड़ी गिरावट हुई, उसके बाद थोड़ी रिकवरी भी आती हुई दिखी है, जुबलेंट फूड्स। जरा समझते हैं नतीजों के बाद जो कुछ फाइन प्रिंट निकल कर आ रहा है, क्यों शेयर पर दबाव पड़ा, आज फिर थोड़ी रिकवरी भी आई, क्या बाजार के की टेक अवेज हैं इस काउंटर से। वरुण है हमारे साथ जुड़े हुए बताने के लिए। वरुण, क्या हुआ है जुबलेंट फूड में? देखिए दीप, कल दरअसल इस कंपनी के जब नतीजे आए थे ना, तो सबके सब एक ही फिगर पर ध्यान रखते हैं, और वो है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की, वो क्या निकल के आई है, और कंपनी ने कल वो दिया ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। और एक्चुअली कंपनी ने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देना अब डिसकंटिन्यू कर दिया है, कंपनी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, और जो लाइक टू लाइक सेल्स देते थे ये वही नंबर्स अब ये देंगे, इस कंपनी ने ये कहा। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कल एक्चुअली गिरावट जो आई थी वो इसी कारण से आई थी। दरअसल होता ये है कि ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो कंपनीज जो है वो लाइक टू लाइक सेल्स जो है उसी को देती है, और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देती नहीं है, लेकिन जुबलेंट फूडवर्क्स पिछले लगातार कई सालों से लगातार सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देते जा रहा था, और एनालिस्ट अगर इस कंपनी को रेट करते थे तो वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के नंबर्स पे रेट करते थे। अब कल कंपनी ने कहा कि जो लाइक टू लाइक सेल्स ग्रोथ है और जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, इसके लिए हम इन नंबर्स को देंगे नहीं। अब देखिए, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या होती है कि पिछले साल के पहले जो रेस्टोरेंट्स खोले गए उनमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कौन से देखने मिली, और लाइक फॉर लाइक सेल्स ग्रोथ जो होती है वो ये होता है कि पिछले साल के पहले जो रेस्टोरेंट्स खोले गए उनमें जो नॉन स्प्लिट रेस्टोरेंट्स हैं उनमें किस तरह की ग्रोथ देखने मिली। अब इन नॉन स्प्लिट और नॉर्मल रेस्टोरेंट्स के बीच में भी आपको फ़र्क समझना होगा। नॉर्मल रेस्टोरेंट्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो नॉन स्प्लिट रेस्टोरेंट्स होते हैं बेसिकली ये होता है कि अगर किसी एक एरिया में इनका ऑलरेडी कोई रेस्टोरेंट है या फिर टेक अवे है और उसमें दूसरी डिलीवरी सर्विसेज अगर उसी एरिया में शुरू कर दी तो उसको स्प्लिट रेस्टोरेंट्स कहते हैं। और इसी के बीच में लेके कन्फ्यूजन था, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच में ग्रोथ रेट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम जो है दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहता है, और ग्लोबली ये प्रैक्टिस है कि आप सिर्फ लाइक फॉर लाइक सेल्स जो है उसको ही दें। डोमिनोज भी यही करता है इंटरनेशनली, और इसके लिए इन्होंने भी ये देना शुरू किया।
और इसके बाद दरअसल ब्रोकरेज हाउसेस ने इस कंपनी को डाउनग्रेड करना शुरू किया, क्योंकि सब की सब जो पैरामीटर लेके चलते थे वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का ही था। हालांकि जाहिर सी बात है कि यू नो मैनेजमेंट अपने आप को शायद ज़्यादा अच्छे से जानता है, इसके लिए आपने देखा कि रिकवरी हुई, नहीं तो पिटाई हो ही रही थी। ये मतलब पहले ही मुश्किल से समझ में आता था, तो बहुत अब क्या है एग्जैक्ट मतलब जो आया था वो भी भूल गया। अब वरुण पहली चीज तो ये बताओ, आमतौर पर मैनेजमेंट कोई भी चीज ऐसी चीजों में बदलाव दो वजह से करता है, या तो उसको लगता है कि ये बदलाव करने से हमारे नंबर्स बहुत अच्छे दिखेंगे ऑप्टिकली बेटर करने, या फिर नंबर्स बड़े खराब दिख रहे हैं और ऐसा बदलाव करने से कम खराब दिखेंगे। इनमें से क्या सही है? बदलाव करने से कम खराब दिखेंगे ये, इनमें से एक्चुअली अनिल जी देखें ना, अगर इस कंपनी के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, मैं Q1 FY21 से अब तक के यानी कि Q2 FY22 के सेम स्टोर सेल ग्रोथ और लाइक टू लाइक ग्रोथ जो है वो दोनों निकाल के लाया। लाइक टू लाइक तो पहले कभी नहीं करते थे, पहले तो SSG चलता नहीं आता था, हम तो हमेशा SSG डिस्कस करते थे, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। हाँ, मोर इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो वही रहता था सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जो कि इंडिया में जो इसको माना जाता है और जिसके ऊपर ही कहीं ना कहीं जो आपके ओवरऑल ये है वैल्यूएशन है वो निकाले जाते हैं, लेकिन ग्लोबली जो है वो लाइक टू लाइक सेल्स दी जाती है। और उसमें इनका बेसिकली ये था कि नॉन स्प्लिट और स्प्लिट के बीच में जो डिफरेंस था उसके वजह से ये लाइक टू लाइक देते थे अलग से, जिसमें आपके जो नॉन स्प्लिट रेस्टोरेंट्स है उनको भी लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है, और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में सारे के सारे कंसिडर किया जाते हैं। तो उसके वजह से ये डिफरेंस स्प्लिट और नॉन स्प्लिट में क्या फर्क है? जी बेसिकली ये होता है कि अगर एक किसी एग्जिस्टिंग एरिया में इनका कोई यू नो डोमिनोज है और उसमें कोई और भी इन्होंने खोल दिया डोमिनोज और उसकी डिलीवरी शुरू कर दी उन्होंने, तो रेवेन्यू जो है वो स्प्लिट हो जाती है। एक एरिया में अगर दो हो गए तो वो स्प्लिट रेस्टोरेंट हो गए। एक एरिया मतलब क्या? जैसे कि आप कांदिवली रहते हो, हाँ आप कांदिवली ईस्ट, अब जैसे कि लोखंडवाला और ठाकुर विलेज दोनों एक ही एरिया है ऑलमोस्ट, लेकिन अगर दो एरिया में या फिर ठाकुर विलेज में आपके दो डोमिनोज स्टोर है सारे स्प्लिट ही मिलेंगे ऐसे तो हर दो चार गली छोड़ देते हैं। एरिया भी अलग से स्पेसिफाई होता है ना, अब जैसे कि वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ठाकुर कॉम्प्लेक्स और ठाकुर विलेज को दो एरिया गिन रहे, लेकिन ठाकुर विलेज में ही दो अगर आपके पास है तो वो स्प्लिट हो गए, इस तरह का है। कुछ आसान भाषा में कुछ समझा सकते हो आप? यही है जो जितना आता था वो भी भूल गया मैं वरुण। अब नंबर्स से क्वार्टरली नंबर आएंगे तब कैसे करना है, लाइक सेल्स ही देखना है, लाइक टू लाइक सेल्स ही देखना। अच्छा, इस बार कितनी लाइक टू लाइक सेल्स? करीब 7.5% के आसपास आई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और साल दर साल, लेकिन जो एस्टिमेट्स निकाले जा रहे हैं क्योंकि अब एनालिस्ट और एनालिस्ट है सबने अपने अपने यू नो अनुमान निकाल लिए, और जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो लोग कह रहे हैं कि 4-6% के आसपास, और अनुमान उसका 13% का था, तो वो भी एक दिक्कत है और इसके लिए भी स्टॉक पिटा। इनको तो रिजल्ट है ना मार्केट आवर्स में देनी ही चाहिए। अब आप और मैं तो बोलता हूँ मार्केट आवर्स छोड़ो, हर फ्राइडे को शाम को दो, ताकि आराम से सैटरडे संडे सारे जिस के ये वरुण बता रहे हैं, स्प्लिट वाला, नॉन स्प्लिट वाला, सेम स्टोर और लाइक टू लाइक, ये सब करके आराम से मंडे सुबह आए तो सब पूरा अरे बहुत कन्फ्यूजिंग है। चलिए, तो ये है जुबिलेंट फूड में जो बदलाव हुए, इससे अगर आप और कन्फ्यूज ना हो पाए तो वरुण का लिंक ही बेकार है। वरुण क्या करेंगे? वरुण तो वही कहेंगे जो मैनेजमेंट ने बताया, डिसीजन इनके थोड़ी है, वो तो डिसीजन बता रहे हैं जो हुआ है। नहीं, सही बात है, तो आप तो वही बता रहे हैं जो हुआ है, और जो हुआ है वो कन्फ्यूजन बढ़ाने वाला है। तो ऐसे में क्लैरिटी लेने के लिए चलते हैं बंसल जी के पास। बंसल जी, आपको क्लैरिटी है चार्ट्स पे? है ऐसे नहीं है, बाकी तो मुझे पता नहीं होगी, जब हमें नहीं तो आपको कैसे होगी, लेकिन चार्ट्स के बताओ आप। अनिल जी देखिए, ऐसा नहीं मानना उचित नहीं होता अनिल जी, कई बार मतलब कि जो छोटा व्यक्ति काम कर जाता है वो बड़े को नहीं मालूम होता है, तो कई बार ऐसा नहीं है कि मुझको क्लैरिटी नहीं आनी। नहीं, इस बार मैं सेम स्टोर अनिल जी देखिए, चार्ट्स तो खराब है इसके, चार्ट्स तो इसके काफी खराब है, पैटर्न क्लियरली डिस्टॉर्टेड है, बट बिकवाली की राय नहीं है अनिल जी, बिकवाली की राय नहीं है। और अनिल जी मेरी एक गुजारिश है, अमूमन मैं कभी ऐसे बीच में रुक के गुजारिश नहीं करता हूँ, अनिल जी हमारे पास एक सुपर हिट वाली कॉल है, तो जो भी लोग जुबिलेंट में फंसे हुए हैं उनके नुकसान की भरपाई हो सकती है, और आप जानते हैं काफी समय बाद इस तरीके की कॉल दे रहे हैं। अरे वाह, जब भी अनिल जी समय हो प्रायोरिटी पे आना। अनिल जी, चार्ट्स डिस्टॉर्टेड है, चार्ट्स डिस्टॉर्टेड है, किसी तरीके का कुछ करने की राय नहीं है। हाँ। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए जुबिलेंट फूड के अंदर। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, अभी आपके पास में आ रहा हूँ। एक चीज बताओ, चलो आपने SSG तो बता दिया, सेम स्टोर सेल ग्रोथ, LFL बताओ। मैंने
बोला कि सब कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने साथ में ही बोला है। आप अनिल जी मतलब कि ऐसे नहीं करो अनिल जी आप। अरे अभी तो वरुण ने 3-4-5 बार बताया LFL मतलब लाइक फॉर लाइक LFL। चलिए मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि इस बार तो बंसल जी मुझे गलत ही साबित कर देंगे। बेटर लक्स नेक्स्ट टाइम बंसल जी, बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। बढ़ाएं सर। अनिल जी ऑटो इज द न्यू डिफेंसिव। अभी कुछ दिनों पहले मैंने और कुणाल जी ने अनिल जी मारुति पे सेम एक ओवरबेट कॉल दिया था, 300 रुपए का आपको मारुति में देखने को मिला था। हीरो मोटर को आपने अनिल जी बड़ी इंटेंसिटी का एक बड़ा ब्रेकआउट दिया हुआ है, इस ब्रेकआउट को मिस नहीं करना चाहिए। काफी समय बाद 200-200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट है प्लस में प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है, और इस ब्रेकआउट के टारगेट बैठते हैं 2920 से लेकर 2950। काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और चार्ट पैटर्न फेल होने के चांसेस काफी कम है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए एक बुलिश पेरेंट पैटर्न बना है हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट पर, खरीदारी की राय है। ऑटो स्टॉक्स काफी अरसे बाद परफॉर्म कर रहे हैं, बाय करके चलना है हीरो मोटोकॉर्प को। स्टॉप लॉस रखना है 2750 रुपए पर, 2750 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट ही 2900 का है, इवेंचुअल टारगेट स्टॉक के लिए 2950 का है। ये 2750 का स्टॉप लॉस आपने निकाला या बंसल जी ने? अनिल जी मैंने ही निकाला अनिल जी। तो थोड़ा तो नीचे करो भाई साहब, इसीलिए भाव पे तो चल रहा है, तुरंत ट्रेड होते ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। अनिल जी देखिए मैं कैश का लेवल दे रहा हूँ। अच्छा कैश का दे रहे हैं आप? ओ कैश का लेवल है। अच्छा अच्छा फिर ठीक है, हाँ क्योंकि कैश और फ्यूचर में बड़ा फर्क चल रहा है, 50 रुपए का फर्क, 60 रुपए नीचे फ्यूचर्स। ऐसा क्यों कुणाल जी? एक सवाल था मेरा। जी जी सर जी बताए। अनिल जी वरुण है चले गए मतलब शरीर से गए न्यूज रूम में, बाकी आत्मा तो यही उनकी। अच्छा अनिल जी अगर उनसे सवाल था अनिल जी कि ये जुबिलेंट फूडवर्क्स की बिरयानी का कैसे सेल्स हो रही है, अनिल जी मेरी बड़ी जिज्ञासा है जानने की। हाँ वो नया प्रोडक्ट नया शुरू किया था बिरयानी। हाँ। जानते हैं पूछते हैं। चलिए वरुण के लिए आपने मेरे काम से अनिल जी फ्लॉप हो गए। अच्छा इज इट? ओके अनिल जी तो प्लीज पुष्टि करवा दीजिएगा। बिल्कुल मैं वरुण को काम पे लगाता हूँ, तब तक सुमित जी हमें काम पे लगा रहे हैं। सुमित जी के लिए बिल्कुल सुपर हिट चलेगा। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। एक स्टॉक जो कि मैं 50-60 रुपए के लेवल से बोल रहा हूं कि उसके तेजी के द्वार खुल चुके हैं, और वो स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 96.50 रुपए, 96.50। स्टॉक का नाम है द्वारकेश शुगर। द्वारकेश शुगर तेजी के ट्रेंड में है और अभी ये स्टॉक में फ्रेश मोमेंटम बन रहा है। द्वारकेश के अंदर यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें, 92 रुपीज का इसमें नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं जो फ्रेश लॉन्ग कर रहे हैं वो, और जिन्होंने पहले से ले रखा है वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। यहाँ से स्टॉक मेरे को लग रहा है सेंचुरी मारने को तैयार है। 100 का इसका इमीडिएट साइकोलॉजिकल हर्डल है, तो 100 का इसका इमीडिएट पहला टारगेट होगा। 100 का लेवल निकलने के बाद 108 रुपए तक का मूव द्वारकेश शुगर के अंदर देखने को मिलेगा। खरीदारी करें 100 से 108 के टारगेट्स के लिए द्वारकेश शुगर। तो द्वारकेश शुगर पर है खरीदारी की राय। शुगर स्टॉक्स में बड़ा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। सुबह वरिंदर हमें समझा भी रहे थे बलरामपुर के नतीजे के बारे में, त्रिवेणी के बारे में भी उन्होंने बात करी थी, और शुगर स्पेस एथेनॉल अवध शुगर एक और काउंटर जिस भी बात हो रही थी, और कल भी हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी था। अच्छी मूव आ रही है चुनिंदा शुगर काउंटर्स पर, जहां पर आपको रखनी है नज़र। नज़र रखिए टाटा स्टील अब वापस मूवमेंट दिखा रहा है, पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहा है। तो मेटल्स वैसे भी यहां पर थोड़ा मूव बना हुआ है, पर बलरामपुर चीनी आई थिंक हिमांशु जी की कॉल भी है इस पर। आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए। बताएं हिमांशु जी। बिल्कुल दीपांशु जी, देखिए शुगर एज अ सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, नंबर्स आने के बाद यहाँ पर तमाम स्टॉक्स में ब्रेकआउट है, और FNO में जो रीसेंट एंट्री है बलरामपुर चीनी ये लीड करता हुआ नजर आ रहा है फ्रंट से। देखिए ब्रेकआउट 432-433 रुपए के ऊपर यहाँ पर आता हुआ नजर आया है, लेकिन जिस तरह की अनवाइंडिंग यहाँ पर देखने को मिली है, क्लियर कट 450-455 तक का इमीडिएट इंट्राडे में यहाँ पर टारगेट आते हुए नजर आ सकता है। इसको हम प्ले करेंगे 440 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन के जरिए, जो कि लगभग 17-18 रुपए के आसपास है, वहां पर खरीदारी करके चलें। 13 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 23 और 28 रुपए तक के टारगेट्स बलरामपुर चीनी की 440 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है।
तो यह है आपके लिए बलरामपुर चीनी पर खरीदारी की राय इस समय, यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, तो बलरामपुर मूव कर रहा है और कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहाँ पर मूव आ रही है। ऑटो स्टॉक्स पर रखिए नज़र, हीरो, टीवीएस, बजाज, तीनों टू व्हीलर्स एक्चुअली आज अच्छे मोमेंटम में, तो ये इंटरेस्टिंग है। हीरो के लिए अभी अभी आपके पास कॉल भी आती हुई दिखी थी, पर बजाज और टीवीएस यहाँ पर भी मूव आ रही है। सिमी जी, कोई राय, टीवीएस मोटर्स आज फिर से अच्छे मोमेंटम में, कल भी ये स्टॉक अच्छी मूव दिखा रहा था? जी बिल्कुल दीपांशु, टीवीएस मोटर्स यहाँ से भी चल सकता है, पर टीवीएस मोटर्स को देने से पहले मुझे और एक स्टॉक देना है, बीटीएसटी के तौर पर, तो मुझे अगर मौका मिल देते हो तो एक बार मैं बता दूं बीटीएसटी, क्योंकि सेक्टर मोमेंटम में है, मैं थोड़ा सा वेट करूंगी। अरे, अरे दीप ने पूछा था टीवीएस तो बताओ मैं। जी बिल्कुल अनिल जी, टीवीएस बहुत ही स्ट्रेंथ शो कर रहा है और पूरा सेक्टर अभी मोमेंटम में है। हीरो मोटो, बजाज ऑटो को देखने के बाद मुझे लगता है कि टीवीएस भी यहाँ पे रुकेगा नहीं। करंट लेवल से मुझे लगता है कि जूनी ने सुबह से लिया है, उनको तो मैं होल्ड करने का सलाह दे चुकी हूँ, मेरे क्लाइंट्स के पास भी है पोजिशन, तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। एटलीस्ट करंट लेवल से 5 से 6 रुपया का मूवमेंट और भी इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। मुझे ओवरऑल इस स्टॉक में लगता है कि अगर कोई नजरिया थोड़ा सा बड़ा रखता है तो मिनिमम टारगेट इसका 640, 655, 670, ये तीन तीन टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी भी होल्ड करके रखा जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स। आइए देखते हैं सिमी जी के रेडार पर कौन सा स्टॉक बिगुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। बताएं सिमी जी। दीपांशु, शुगर स्टॉक्स फोकस में रहना चाहिए, ऑलरेडी दो दो कॉल शुगर्स में आ चुका है, एक द्वारिकेश और एक बलरामपुर चीनी। मैं तीसरा शुगर स्टॉक देने वाली हूँ जो है धामपुर शुगर, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और मुझे लगता है कि 385 के आसपास मिल रहा है। पहला टारगेट मेरा एक्चुअली 405 का था, तो यहाँ से लगेगा कि 10 रुपया ही है, पर 10 रुपया देने के बाद भी ये रुकेगा नहीं। 405 का पहला टारगेट, 420 का दूसरा टारगेट और 440 का तीसरा टारगेट के लिए धामपुर शुगर को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 380 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। आपके लिए धामपुर शुगर पर राय, तो धामपुर, बलरामपुर, द्वारिकेश, तीन बेहतरीन शुगर कॉल्स बैक टू बैक आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। पूरे सेक्टर में इस समय एक ब्रेकआउट बन रहा है, बट एक स्टॉक जो नतीजों के बाद लुढ़का है और अभी भी कमजोर है, सुबह से हम देख रहे हैं 5 से 6% की गिरावट है, वो है M&M फाइनेंस। नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट तो ठीक दिख रहे थे, पर ऐसा क्या बाजार ने देखा है नतीजों में जिसकी वजह से स्टॉक पर इतना दबाव है? आइए समझते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताइए क्या हुआ है यहाँ पर? बिल्कुल, आप देखिए घाटे से मुनाफे में आते हुए दिखे NBFC और यहाँ पे नतीजे इस तिमाही के बहुत ही शानदार हैं। डिसबर्समेंट्स बढ़ते हुए दिखे हैं इस बार और इसके साथ ही आप देखिए जो ब्याज से आए उसमें 14% तक की बढ़त आती हुई दिखी है, साथ ही जो मुनाफा है वो भी अनुमान से काफ़ी बेहतर है। हमारा अनुमान था ऑलमोस्ट 560 करोड़ के आसपास का, 894 करोड़ का जो मुनाफा है वो कंपनी ने बुक कर लिया है, तो नतीजे हर लिहाज से इस तिमाही में काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। असेट क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा सुधरती हुई दिखी है। अब जो चिंता की बात है वो ये है कि जो NPA नॉर्म्स हैं जो RBI देता है उसके हिसाब से अगर आप गिनते हैं तो आने वाले समय में और जो क्रेडिट कॉस्ट है जो NPAs हैं वो इस कंपनी के बढ़ सकते हैं, और इसके चलते मैनेजमेंट का ये कहना है कि आने वाले समय में यानी कि फोर्थ क्वार्टर में मैनेजमेंट को करीब 500 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ तक के जो NPA जो प्रोविजनिंग्स हैं वो करनी पड़ सकती है, और इसके चलते आने वाले तिमाही में एक बार फिर से कंपनी घाटे में आ सकती है, और इसके चलते हम देख रहे हैं ये जो नेगेटिव थोड़े से कमेंट्स आते हुए दिखे इसके चलते थोड़ी सी चिंता बढ़ती हुई दिखी है। मोतीलाल ओसवाल का भी ये कहना है कि आने वाले समय के लिए जो मुनाफे का उन्होंने एस्टिमेट्स दिए थे वो उन्होंने थोड़े से कट किए हैं, लेकिन FY23 जो नेक्स्ट ईयर है वहां पे अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है, लेकिन ये चिंता थी जिसके चलते हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में गिरावट आई थी। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो PCA के नियम है वो 6% होते हैं, फिलहाल अगर आप देखें तो 5.63% पर ऑलरेडी नेट ग्रॉस थ्री जो असेट्स हैं उनके वो पहुंच चुके हैं, तो इसी के चलते आने वाले समय में अगर 6% के पार जाते हैं तो ये PCA फ्रेमवर्क में भी आ सकता है, लेकिन मैनेजमेंट का ये भरोसा है कि आने वाले समय में 4% से भी कम करेंगे तो इसके लिए प्रोविजंस करनी पड़ेगी, प्रोविजंस अगर बढ़ाते हैं तो मुनाफे पर असर होगा और घाटे में आ सकते हैं, और इस चिंता के चलते आपको 5 से 6% तक की गिरावट इस स्टॉक पर आती हुई दिख रही है। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय M&M फाइनेंस जिस पर वीकनेस बनती हुई दिख रही है, इस पर एक राय भी लेंगे। सुमित जी आपके पास आता हूँ M&M फाइनेंस पर राय लेने के लिए, चार्ट्स जो कह रही हैं, पर उससे पहले गेल इसको पुल अप करिए क्योंकि इसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक थोड़ा एक्शन में भी दिखा था नतीजों से पहले और नतीजे आने के बाद एक स्पाइक भी आ रहा है। कुणाल जी गेल के चार्ट्स आप पुल अप करें सर,
यहाँ पर आय, आपको आय का हम आंकड़ा लेकर आते हैं, उससे पहले मुनाफा देख लीजिए, 2863 करोड़ से बढ़कर 3290 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिख रहा है। तो मुनाफे में तो ज़बरदस्त उछाल है, बल्कि हमने तो मुनाफे में गिरावट का अनुमान लगाया था, 2720 करोड़ के मुनाफे का अनुमान लगाया था, तो उसके सामने जो ये मुनाफे का आंकड़ा आया है वो बहुत ही शानदार है, 3288 टू बी एग्जैक्ट, ये है आपके लिए मुनाफे का आंकड़ा आते हुए दिखा है। आय की बात करें तो यहाँ पर भी आय 21,511 से बढ़कर 25,780 करोड़ की आई है, और हमारा अनुमान 25,340 करोड़ का था, तो आय अनुमान से बेहतर आई है, मुनाफा अनुमान से बहुत ज़्यादा बेहतर आया, हमने मुनाफे में हल्की गिरावट की अनुमान लगाई थी। अन्य आय 652 करोड़ की आई है, तो इसका भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा होगा ओवरऑल मुनाफे में, बट डेफिनेटली ऑन द फेस ऑफ इट नतीजे अच्छे हैं, आय अनुमान से बेहतर, मुनाफा अनुमान से बहुत बेहतर। बताएं कुणाल जी, गेल के चार्ट सर। दीपांशु, चार्ट भी बहुत बढ़िया है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, अगर ये स्टॉक 148 रुपए के ऊपर फ्यूचर्स में टिक जाता है, 148 के ऊपर टिक जाता है तो यहाँ पर खरीदारी की राय है, और 148 के ऊपर अगर ये टिका रहता है तो इसमें आपको 153-154 के भाव आते हुए दिखेंगे। तो गेल का चार्ट मजबूत है, लगातार स्टॉक पिछले कुछ दिनों से बाजार को आउट परफॉर्म भी कर रहा है, तो बाय करके चलने की राय। तो बाय करने की राय है गेल, इस पर रखें नजर। आइए सुमित जी से M&M फाइनेंस पर भी राय लेनी थी, सुमित जी बताएं सर। दीपांशु, M&M फाइनेंस थोड़ा सा रेंज बाउंड है, स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है, मेरे को लग रहा है इसके अंदर बड़ा मूव देखने को मिलेगा जब स्टॉक एक बार ऊपर में 168-170 का लेवल तोड़ेगा, तब जब तक ये लेवल ऊपर में तोड़ता नहीं तब तक ये साइडवेज चलेगा, ऊपर में 168-170 का रेजिस्टेंस है और नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 150-152 के आसपास है, तो फिलहाल इसको रेंज बाउंड रहने दे, इस स्टॉक के अंदर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, जब ब्रेकआउट आएगा तब इसके अंदर फ्रेश कुछ ट्रेड लेना होगा। राय आपके लिए M&M फाइनेंस पर, जहां पर थोड़ी सुस्ती बनती हुई दिख रही है इस समय, नतीजों के बाद कमजोरी है, 5-6% नीचे ही दिखेगा, बट शुगर में बड़ी तेजी बनी हुई है, EID पैरी भी अभी ब्रेकआउट कर रहा है, एक बार जैन साहब से भी जान लें कि शुगर स्टॉक्स में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। जैन साहब, वैसे तो मोमेंटम है बट अभी जो स्पाइक आ रहा है पिछले 15-20 मिनट का, कुछ खबर आती हुई दिख रही है, कुछ बाजार का नजरिया बना है इस सेक्टर पर, सारे शुगर स्टॉक्स एक्शन में सर? नहीं, देखिए शुगर स्टॉक्स जितना चलने थे बजट वाले दिन उस हिसाब से चले नहीं, और देखिए बजट में पॉजिटिव प्रावधान थे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, इथेनॉल का जो कंपलसरी 20% है वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और दूसरी बात यह कि देखिए बलरामपुर चीनी ने अगुवाई की और वो FNO का स्टॉक है, जब मैं शो के लिए आ रहा था तो मैं देख रहा था बलरामपुर चीनी में जस्ट 430-432 के लगभग बनाई, तो और इस तरीके से चल जाएगा ये उम्मीद नहीं थी इतनी फास्ट, और फिर द्वारिकेश सुमित जी ने भी दिया, तो मुझे लगता है कि शुगर स्टॉक्स में जबरदस्त स्ट्रक्चरल स्टोरी तो है ही है, और बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे भी, और बिल्कुल लेना चाहिए, इन लेवल्स पे भी मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती है। EID पैरी तो मेरा हो या अनिल जी का वन ऑफ आवर फेवरेट पिक्स है, बिल्कुल इन स्टॉक्स में बने रहना चाहिए, अननेसेसरी प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, और क्रूड ऑयल जैसे जैसे बढ़ता है शुगर भी कोरिलेटेडली बढ़ता है, तो मेरे हिसाब से वो स्टोरी इंटैक्ट है। लेकर तो बड़े कदम सरकार उठा ही रही है, और अब तो पेनल्टी भी लगेगी अक्टूबर के बाद अगर आपने अपने अपने इथेनॉल बेंडिंग टारगेट्स मीट नहीं किए हैं, तो शुगर स्टॉक्स यहां पर रखिए नजर, अच्छे एक्शन में आ रहे हैं। एक्शन में सुमित जी और उनकी कॉल है तैयार, बिगुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, एक तो टारगेट अचीव का मोहर लगाए द्वारके शुगर के ऊपर, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले दिया था 100 के ऊपर का लेवल, अभी टच करके 100 के पास ट्रेड कर रहा है, तो द्वारके शुगर के अंदर टारगेट अचीव। अब जो स्टॉक है उसका भाव चल रहा है 438-440, स्टॉक का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, प्राज इंडस्ट्रीज में यहां पे CMB पे खरीदारी करें, 428-425 ये नीचे में सपोर्ट है, तो 425 का स्टॉप लॉस लगा के प्राज इंडस्ट्रीज में यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें, ऊपर में 455 रुपए से लेके 465 रुपए तक के लेवल प्राज इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा प्राज इंडस्ट्रीज में। प्राज इंडस्ट्री में करें खरीदारी, एक के बाद एक शुगर शेयरों में आता हुआ दिख रहा है एक्शन, पहले द्वारकेश के द्वार खोले सुमित जी ने, और अब प्राज इंडस्ट्रीज जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर पूरी तरह से शुगर शेयरों से प्रभावित है, शुगर से के बिजनेस से प्रभावित है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है 455-465 के टारगेट के लिए। आइए स्वागत करते हैं सेठी साहब का। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है।
सेठी साहब स्वागत है, बताएं सर आज की पिक्स। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। ठीक है अनिल जी, वैसे दो स्टॉक देने थे, एक कैश मार्केट का स्टॉक और एक फ्यूचर्स का स्टॉक, लेकिन अभी अभी एक और स्टॉक रडार पे आया है, तो दो कैश के हो गए और एक एफएनओ का हो गया। हाँ तो देओ आप। तो बिल्कुल अनिल जी, जो अभी अभी स्टॉक रडार पे है, जो सेक्टर अभी चर्चा हो रही है, उसी सेक्टर से स्टॉक का नाम है दालमिया भारत शुगर, जो कि अभी 449 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक सब कंपनी है फ्रॉम द शुगर स्पेस, और अनिल जी इसको अभी देख रहा था, इसके कल नतीजे आने वाले हैं, और जिस तरह के नतीजे हमने अभी देखे, त्रिवेणी इंजीनियरिंग के कल नतीजे आए, तोड़फोड़ नतीजे थे। आज सुबह वरिंदर बंसल जी को भी सुन रहे थे, उन्होंने भी काफी तारीफ करी उस रिजल्ट की, और जिस तरीके का एक इस पूरे सेक्टर पे रुझान बन रहा है, मुझे लगता है कल रिजल्ट के पहले इस स्टॉक को करंट लेवल पे 449-50 के लेवल पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 470 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 440 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए दालमिया भारत में खरीदारी करने की राय आती हुई सेठी साहब की तरफ से। दूसरा वाला क्या? भारत शुगर है, क्योंकि सेम नाम से दालमिया भारत सीमेंट भी आता है, तो वो नहीं है, शुगर की बात कर रहा हूं मैं। और अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो जो कैश मार्केट का स्टॉक, मेरा एक आजकल का पसंदीदा स्टॉक है त्रिवेणी टर्बाइन, जो कि 205-6 के लेवल पे आज ट्रेड कर रहा है। आज थोड़ा करेक्ट हुआ है पिछले 2-3 दिनों की अच्छी तेजी के बाद। अनिल जी आपको याद हो तो बजट के पहले जो मैं स्टूडियो में आया था उस दिन इसको 100 रुपए के लेवल पे रिकमेंड किया हुआ था, फिर 210 के टारगेट थे वो अचीव हुए, और आज ये स्टॉक वापिस से 206 के लेवल पे अवेलेबल है। एक बहुत ही शानदार कंपनी है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग ग्रुप की कंपनी है, इसमें त्रिवेणी इंजीनियरिंग अराउंड 21.85% स्टेक ओन करती है। ये कंपनी टर्बाइन्स बनाती है या पावर इक्विपमेंट और सर्विस बनाती है, जो कि शुगर सेक्टर, सीमेंट, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, ऑयल एंड गैस और डिफेंस, इन सब सेक्टर्स को कैटर करती है। और हमने बजट में देखा जिस तरह से सरकार ने केपेक्स की जो स्पेंड बढ़ाया है और जो फोकस मैन्युफैक्चरिंग को दिया है, उसका बड़ा फायदा इस तरह की कंपनियों को होगा। ये स्टीम टर्बाइन इंडस्ट्री में 60% भारत में इसका मार्केट शेयर है, बाकी ग्लोबली प्रेजेंट है, 70 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट है। और इनका एक जेवी था जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, जो कि कंपनी ने पूरा एक्वायर कर लिया 2021 के सितंबर में, मतलब अभी समझ लीजिए कुछ महीने पहले ही, 4-5 महीने पहले। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 21%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.5%, एक जीरो डेट कंपनी, हाल ही में नतीजे इस तिमाही के आ गए, नतीजे ठीक ठाक थे, बट मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 220 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 200 रुपए का। 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें भी करें खरीदारी और 220 का लगाएं टारगेट। त्रिवेणी टर्बाइन ये एक और स्टॉक है जो पसंद है सेठी साहब को। सर आपने बोला था एक एफएनओ की भी देंगे, अभी या बाद में लगे आप? अभी हाँ अभी देता हूँ, बताओ सर। अनिल जी आज लेके जाना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, 543 रुपए में फरवरी फ्यूचर्स इसके अवेलेबल है। मुझे लगता है ये स्टॉक कमाल करना चाहिए आने वाले दिनों में। एक तो पूरा बैंकिंग सेक्टर फोकस में है, और बजट के दिन भी मैं कह रहा था आपसे बात हुई थी कि जो इस बजट में एक तो ECLGS जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम सरकार की, उसको एक साल के लिए बढ़ाया गया, उसका फायदा। फिर MSME के लिए 2,00,000 करोड़ का फर्दर फंडिंग का जो सरकार ने कहा है, उसका फायदा। फिर आपके जो 2-3 नए रेजोल्यूशन हुए रिसेंटली, एयर इंडिया का रेजोल्यूशन हुआ, ILFS का रेजोल्यूशन हुआ, तो इन सबको देखते हुए बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ की बातें हो रही है, तो अगर केपेक्स बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग को फोकस होगा, तो क्रेडिट ग्रोथ डेफिनेटली बढ़ेगा, उसका फायदा होना है। बाकी इस तिमाही में नतीजे हमने देखे, तोड़फोड़ नतीजे आए हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे इस शनिवार को आने वाले हैं, और मेरा ये मानना है कि उसी तर्ज पे देर इज नो डाउट कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी नतीजे बहुत अच्छे रहने चाहिए। इवन बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके भी शायद शनिवार को ही नतीजे हैं। मुझे लगता है इन सब स्टॉक्स पे अभी खरीदारी करनी चाहिए। आज के इस बाजार में गिरावट है, इन स्टॉक्स में गिरावट नहीं है, बट बाजार में गिरावट है, इसीलिए कल के लेवल्स में मिल रहे हैं, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 560 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 535 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी राय। तो सिटी साहब की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दालमिया भारत शुगर और त्रिवेणी टर्बाइन, ये तीन बेहतरीन कॉल्स जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी कॉल्स देने के लिए। आइए 2:30 बजे, बल्कि अब तो 2:40 हो गए, तो सर पहले एक बार स्ट्रैटेजी ले लेते हैं और फिर बाकी बाजार का एक्शन बढ़ाएंगे आगे। बिगुल अनिल जी की स्ट्रैटेजी का
सर वैसी सुस्ती है जो सुबह डाओ में दिख रही थी, मामूली गिरावट है, परसेंटेज वाइज देखें तो हार्डली एनी फॉल है, 50 पॉइंट नीचे है, क्योंकि मेटा फेसबुक बेसिकली नतीजों के बाद पोस्ट मार्केट में 20% लुढ़का है, तो उसका इम्पैक्ट आप सीधे सीधे नैसडैक फ्यूचर्स में देखते हैं शाम को इतने खराब रहेंगे या नहीं। जापान के बाजार आज खुले थे, करीब 1% नीचे बंद होते हुए दिखे हैं, हालांकि कोरिया के बाजार 2% ऊपर रहे, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरोप में यूके के बाजार पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, जर्मनी और फ्रांस में मामूली गिरावट है, कच्चा तेल भी कुछ बड़ी नहीं कर रहा है, तो ग्लोबल मार्केट सुस्त है एक्सेप्ट फॉर नैसडैक फ्यूचर्स, कोई ऐसी कहीं बड़ी गिरावट या परेशानी तो दिख नहीं रही है। सर हमें क्या करना है? अमदीप इसमें दो ही चीज़ें, या तो ये कि भाई जैसे दिख रहे हैं उससे ज़्यादा ख़राब हो जाए अमेरिका, अपने को पता नहीं हो सकता है, क्योंकि जनरली हमारे बाजार के ट्रेंड को डिसाइड करते हैं। दूसरा ये कि शायद ना हो और रिकवर हो जाए। हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हम 17,575 के नीचे बंद हो रहे हैं तब हमको तेजी की पोजीशन कम कर लेनी चाहिए। ओके, क्योंकि तब इंडेक्स पे आपकी क्लोजिंग अच्छी नहीं, बजट के पहले वाली क्लोजिंग आपको मिल रही जो कि ठीक नहीं है। तो मेरा स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे 17,550 का होगा, पहली चीज तो, ताकि अपने को डाउनसाइड पता होनी चाहिए कि क्या होना चाहिए, पॉइंट नंबर वन। दूसरा ये कि फिर अगर आज हम कमजोर हैं तो थोड़ा ग्लोबल मार्केट की सुस्ती और थोड़ा आप इसका इम्पैक्ट मान सकते हैं जो एक्सपायरी का भी, 3-4 दिन से आप मजबूती के साथ ट्रेड करें तो एक आध दिन थोड़ी, आखिरी दिन हफ्ते के 5 दिन में से एक दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। ठीक है, डेटा क्या कह रहे हैं? डेटा ये बता रहे कि 17,600 के नीचे एक्सपायरी होने की संभावना कम है, 60 लाख शेयर हैं यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में, होल्ड करना चाहिए, ये दिख रहा है अभी तक तो, ये पोजीशन दिख रही है। 17,600 के नीचे गए तो फिर थोड़ा सा मामला मुश्किल हो सकता है, बट लग रहा है क्लोजिंग में घूम फिर के हम 17,600 के आसपास या इसके ऊपर आ सकते हैं, और बंद होने के लिए अच्छी जगह जो है वो 17,625 से 17,675 तक की है, तो 17,675 तक की क्लोजिंग मिल सकती है अगर हम 3 बजे तक 17,600 को ना तोड़े तो। ठीक है, अब ऊपर कितना जा सकते हैं? 17,700 पार करना मुश्किल है दीप, क्योंकि 17,700 पर 1,30,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, भारी भरकम, हाईएस्ट है। सो बहुत ही प्रॉपर तरीके से डेटा बने, 17,500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 17,700 बहुत ही तगड़ी रुकावट, 17,600 बीच का लेवल जो होल्ड करने की कोशिश। तो मेरा ये समझना है कि अभी तक के डेटा जो बन रहे हैं 625-675 के बीच में कहीं कहीं क्लोज एक्सपायरी होने की संभावना फिलहाल दिख रही अभी के डेटा के लिहाज से। अब आइए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में 39,000 मजबूत सपोर्ट के तौर पर आता दिख रहा है, 42 लाख शेयर वहाँ पर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो उसके नीचे जाने की संभावना बहुत ही कम है। 39,500 पार नहीं करेगा क्योंकि वहाँ भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 56 लाख शेयरों का। अब जो इंटरेस्टिंग चीज दिख रही बैंक निफ्टी में, आपको एक ही 100 पॉइंट की रेंज पे फोकस करना है, 39,000-39,100, दोनों पर 22 लाख शेयर है, बार बार वहीं सपोर्ट ले रहा है। ऊपर 39,300-39,400 बार बार वहीं रुक रहा है क्योंकि वहां पर भी ओपन इंटरेस्ट इसी तरह का बना हुआ है। सो बेसिकली ज्यादा संभावना ये दिख रही कहीं कहीं 39,200 के आसपास ही एक्सपायरी हो जाए, ये संभावना ज़्यादा। तो बैंक निफ्टी में एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा बड़ा मूव ऊपर नीचे आएगा इसकी संभावना कम है, और निफ्टी में भी फिलहाल तो यही दिख रहा है, यही दिख रहा है, तो ज्यादा ऐसा कुछ लग नहीं रहा, बड़ा नहीं होने हाँ, अभी तक तो ये दिखा है, देखते हैं, लेट्स सी, बट डेटा बड़े बने हैं तो आइडिया लगेगा। आइए इस बीच हिमांशु जी भी तैयार हैं अपनी एक बेहतरीन पिक देने के लिए, तो चलते हैं उनके पास। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, मेरा भी ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट के आसपास है, लेकिन शायद जो रिकवरी है वो यहाँ पर कल अच्छी बनते हुए नजर आए। तो तेजी के साइड का ट्रेड है अनिल जी, ट्रेड है 39,500 के स्ट्राइक का, कॉल ऑप्शन खरीदना है अगली एक्सपायरी का, जो कि अभी करंट भाव है 310 रुपए के आसपास। मुझे ऐसा लगता है कि 290-295 रुपए के आसपास 39,500 के नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चल सकते हैं, जिसका टारगेट 400 रुपए का पहला और 470 रुपए का दूसरा टारगेट यहां पर आते हुए नजर आ सकता है। अली जी, ऑल इन ऑल जो चार्ट फॉर्मेशन है वो काफी पॉजिटिव है, और जैसा भी आपने डेटा भी एक्सप्लेन किया, मेरा भी ऐसा मानना है कि 39,100-39,000 के जोन में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, और जहां पर शायद हमको कल के सेशन में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिले तो उसको प्ले करेंगे 39,500 के नेक्स्ट वीक के कॉल ऑप्शन खरीद कर 290 रुपए के आसपास, वहां पर स्टॉप लॉस लगाएंगे अली जी 240 रुपए का। ओके, 240 रुपए के स्टॉप लॉस का, कौन सा 39,500 का अगले हफ्ते वाला, राइट? 39,500 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय है अगले हफ्ते का, यहाँ पर खरीदना है 290 में और 240 का स्टॉप लॉस, 400 और 470 के टारगेट के, ये है दीप। चलिए बैंक निफ्टी उतना कमजोर है नहीं, तो हिमांशु जी की कॉल वहीं पर आती हुई दिख रही, करेक्ट?
बिल्कुल, तो जो आप सुबह के अभी रहते हैं बैंक निफ्टी में ही ज्यादा कन्विक्शन है इस समय, पर कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन आ रहा है, एक बार जरा एनएमडीसी को पुल अप करें एक बार। हाँ, एक ब्रेकिंग न्यूज जो है उस पर जरा नजर डाल लेते हैं कि इस वक्त सरकारी बैंकों के लिए कुछ अच्छी खबर आती हुई दिख रही है और ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर है, और खबर ये है कि इकोनॉमिक अफेयर सचिव का बयान आया है, इस बयान को एक बार पढ़ लिया जाए। अच्छा, बैंकों के निजीकरण पर काम जारी है, सरकारी बैंकों के निजीकरण पर काम जारी, तो जो कैंडिडेट प्राइवेटाइजेशन के कैंडिडेट है उनके लिए अच्छी खबर है, जिनका जिसमें मेरे ख्याल से आईओबी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक का ये हो सकता है, तो ये स्टॉक्स हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। तो छोटे छोटे सरकारी बैंक जो हैं उनके ऊपर आप फोकस कीजिए, यहाँ पर ये है आपके लिए ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई इस वक्त आपके लिए आपके सामने। आईओबी भी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, सेंट्रल बैंक भी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी आपके सामने ले आए, जो तीन चार बैंक हैं जिनका नाम जनरली इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है उनके लिए ये थोड़ी अच्छी खबर एक तरह से आप कह सकते हैं। तो चलिए, ये है बड़ी खबर। और सरकारी बैंकों पर कौन बुलिश्ड है अभी? सेठी साहब, सेठी साहब हैं क्या लाइन पर? शायद सेठी साहब फोन देके चले गए, लेकिन आइए जैन साहब से एक बार बात करें। जैन साहब, सरकारी बैंकों में बड़ा एक्शन आता हुआ दिख रहा है, बताएं सर आपको क्या पसंद है? नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए मैं इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से बीओबी और पीएनबी और इनकी तो बात कर ही रहा था, और बजट वाले दिन में बैंक ऑफ पंजाब पे, बैंक ऑफ इंडिया पे बात किया था, और आईडीबीआई तो हमेशा मेरा सदाबहार फेवरेट रहा ही है, तो आईडीबीआई तो देखिए बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा, हालांकि उनका तो वैसे भी आईडीबीआई के ऊपर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है कि इसको पहले प्राइवेटाइज करें, बाकी ये जो छोटे बैंक्स है सब में गजब का माहौल बना हुआ, और इवन यूनियन बैंक भी, हालांकि वहां पे तो ये होगा कि कई छोटी बैंक्स विलय होंगी और उस हिसाब से, बट मुझे लगता है कि जो भी नॉन एफएनओ वाले जो भी ये स्टॉक्स है सब तो अच्छा एफएनओ वाले तो कर ही रहे हैं, और अभी अभी एसबीआई भी देखे गए थे सिटी जी, और मुझे ऐसा लगता है कि इन पे बिल्कुल फोकस करें, एंड आईडीबीआई इज वन ऑफ माय टॉपिक्स, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, इन पे ध्यान रखें। तो ये है आपके लिए कुछ पीएसयू बैंक्स। इस बीच अनिल जी, एनएमडीसी में जो मूव आ रही थी उसके मतलब समझ में आ गया सर, 10 फरवरी को दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर कंपनी विचार करने वाली है, तो वो थोड़ा एक्साइटमेंट एनएमडीसी में आपको बनते हुए दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले रिलीज आया है, 10 तारीख को बोर्ड बैठक दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर करेंगे विचार, एनएमडीसी एक्साइटमेंट बढ़ रहा है उस पर। तो ये है डिविडेंड की तैयारी, एक और डिविडेंड आने की, आइए तैयारी वसीन साहब की तरफ से भी करते हैं मुलाकात उनसे। स्वागत है आपका वसीन साहब, बताएं सर क्या है व्यू इस वक्त, कहां देख रहे हैं आप एक्सपायरी और बाजार पर व्यू? एक्सपायरी तो अनिल जी देखिए आज बैंक्स में स्ट्रेंथ है और बाकी मार्केट वीक है और ग्लोबली भी करेक्शन ऑन दी ऑफिंग है, और थोड़ा कॉशियस होके चलिए बिकॉज निफ्टी हैज रन अप सो शार्पली। यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा अनिल जी, इंडेक्स पे व्यू लेना मुश्किल है, दो बाय दो सेल है, कुछ शेयरों में स्ट्रेंथ है कुछ में वीकनेस है। सुबह का अपडेट दे दूं, एचडीएफसी वीक हो गया था, 2575-80 का 2530 हो गया, 2520 का टारगेट था, और उसके सामने अशोक लीलैंड अभी भी स्ट्रांग है और एमजीएल वो भी अभी भी स्ट्रांग है, तो ये मेरा पैर बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, आपने दोनों तरफ किया तो पैसे कमाए। अब दो बाय दो सेल है और ये कल के रिजल्ट के ऊपर है, अभी जो न्यूज आ रही है उसके ऊपर आप कहे तो मैं शुरू करूं। बताएं देखिए अनिल जी, एनएमडीसी ने अभी आयरन ओर के प्राइसेस बढ़ाए, सेकंड रिकॉर्ड डिविडेंड है, इस बारी नंबर 7 तारीख को रिकॉर्ड आएंगे, तो 52.5 में 53 में लीजिए स्टॉप लॉस ऑफ 149, 163 टू 165 का टारगेट, अभी इसमें डिविडेंड प्ले भी ऑलरेडी आ जाएगा, बट एनएमडीसी एंड मेटल्स आर लुकिंग एक्सट्रीमली स्ट्रांग। दूसरा पिक है टाटा स्टील, कल नंबर है अनिल जी लिख के ले लीजिए, 60,000 करोड़ की टर्नओवर, 18,000 करोड़ का एबिटा और 10,800 से 11,000 का नेट प्रॉफिट, ये रिकॉर्ड नंबर होएगा बिकॉज इस क्वार्टर में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन टाटा स्टील इज गोइंग टू गो टू 1225 टू 1230, स्टॉप लॉस ऑफ 1151 सेल। अब इसको खेलने के लिए अनिल जी ऐसा है कि ट्रेडिंग पिक्स हैं और मार्केट चीप नहीं है, दो चीजें बेचने के लिए कह रहा हूं कि आप कल इसमें रख सके, पैर रख सके, रिलायंस बेचिए, वीक दिख रहा है 1370 से लेके 80 तक, 2425 का स्टॉप लॉस है, 2315 का टारगेट। दूसरा बेचिए श्री सीमेंट, 2480 से 2490 में, 2540 का स्टॉप लॉस,
24,350 का टारगेट। तो क्या बात है, आज भसीन साहब ने बड़े लंबे समय बाद दो शॉर्ट कॉल भी दिए, एनएमडीसी और टिस्को ये दोनों खरीदें और बेचे रिलायंस और श्री सीमेंट, ये राय भसीन साहब की तरफ से आती हुई। लेवल सारे आपके सामने इस वक्त, एनएमडीसी में 149 का स्टॉप लॉस, 163-165 के टारगेट, टिस्को में 1151 का स्टॉप लॉस, 1225-1230 के टारगेट बेचने में दोनों स्टॉक। रिलायंस 2425 का स्टॉप लॉस, 2315 तक फिसल सकता है नीचे, और श्री सीमेंट 25,400 का स्टॉप लॉस, नीचे के टारगेट 24,350 के। धन्यवाद भसीन साहब। आइए श्रीकांत जी के पास चलते हैं, एक बिगुल उनके लिए बीटीएसटी का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, मुझे लग रहा है फाइनेंशियल्स में नो डाउट कि काफी अच्छी तेजी बनी है और काफी सारे स्टॉक चल रहे हैं, लेकिन कुछ एक स्टॉक जैसे कि एनबीएफसी से वहां पे भी हमें लगता है कि और एक्शन बन सकता है, और उसमें चोला फाइनेंस जो है वहां पे हमें लगता है कि लॉन्ग की पोजीशन बिल्कुल बनाई जा सकती है। ब्यूटी ये है कि ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब आ चुका है और ब्रेकआउट के बाद हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 670-680 के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो करंट लेवल से बाय करें। मल्टीपल सपोर्ट्स 625 के करीब आ चुका है, तो स्टॉप लॉस रखें 625 का, 640 में खरीदें और थोड़े बड़े टारगेट्स रखें 670 और 680 के। ओके, तो ये है आपके लिए चोला इन्वेस्टमेंट पर खरीदारी की राय श्रीकांत जी की तरफ से आती हुई। एक और एनबीएफसी शेयर, तो बेसिकली फाइनेंशियल्स पर रखिए नज़र, कुछ ना कुछ यहाँ पर हो ही रहा है, रोटेशन के लॉस पे भी काफ़ी सारे काउंटर्स हैं फोकस में, बट फोकस में है नतीजे भी, और बता रही है हमें देवांशी कैसे रह सकते हैं लूपिन के नतीजे जो आएंगे कल। देवांशी बताइए क्या एक्सपेक्टेशन। दीपांशु, काफी सुस्त नंबर्स आने की उम्मीद लूपिन की तरफ से लगाई जा रही है। जो आय है वो केवल 4-5% ही बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था थोड़ा सा बेस हाई था, इसके चलते हम देखेंगे इस बार आय में भी बहुत ज्यादा गेंस आते हुए नहीं दिखेंगे। 4180 करोड़ के आसपास का जो आय का फिगर है वो आता हुआ दिख रहा है, और आप देखिए यूएस में हमने देखा कि जहां पे मार्केट शेयर उनके कई सारे प्रोडक्ट्स के बढ़ते हुए दिखे हैं, लेकिन जो प्राइसिंग प्रेशर है इसके चलते हम देखेंगे कि ओवरऑल $190 मिलियन के आसपास की बिक्री होती हुई दिखेगी। घरेलू मार्केट की बात करें, स्टेबल सेल्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा गेन्स आपको आते हुए नहीं दिखेंगे, और इसी के चलते रेवेन्यू भी फ्लैट रहेंगे। कामकाजी मुनाफा इस बार करीब 16-17% तक कम होता हुआ दिखेगा, मार्जिन्स 19% से घटकर करीब 15.5-16% के बीच में रह सकते हैं, और अगर मुनाफे की बात करें तो 30% तक का दबाव आता हुआ दिखेगा या गिरावट आपको मुनाफे में आती हुई दिखेगी इस बार। लेकिन आप देखिए कामकाजी खर्च थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा, इसका इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा, एंड इन ऑल देखना होगा कि आने वाले समय में जो उनके यूएस एफटीए से अपडेट्स हैं वो कब तक आते हुए दिखें। गोवा फैसिलिटी को उनको ऑलरेडी मंजूरी मिल चुकी है, तो ये अच्छी खबर है, तो आने वाले समय में कब तक एक्सपोर्ट शुरू होते हैं, प्रोडक्ट पाइपलाइन क्या है, कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। इस बार जो नतीजे हैं वो थोड़े से सुस्त रहेंगे। तो नतीजे थोड़े सुस्त रहने वाले हैं यहाँ तक लूपिन के, माफ कीजिएगा आज ही आ रहे हैं नतीजे, गलती से मन हो गया, कल आने वाले नतीजे, तो लूपिन आज ही आ रहे हैं, और इनफैक्ट मार्केट आवर्स में ही नतीजे आने की एक्सपेक्टेशन है, तो शायद किसी भी समय आ सकते हैं। नतीजे आ चुके हैं वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के, अभी हम थोड़ी देर पहले जुबलेंट फूड के नतीजों का विश्लेषण कर रहे थे। वेस्ट लाइफ 1,000,000 से मुनाफा बढ़कर 21 करोड़ का आया है, आय 325 करोड़ से बढ़कर 477 करोड़ की आती हुई दिखी, तो वेस्ट लाइफ के भी नतीजे अच्छे रहे हैं, टॉप लाइन में अच्छी बढ़त है, मुनाफे में कंपनी बड़ी उछाल दिखा रही है, 1,000,000 के सामने आप 21 करोड़ का मुनाफा देख रहे हैं, तो बड़ा बड़ा उछाल यहाँ पर आपके लिए मुनाफे में भी आते हुए दिख रहा है वेस्ट लाइफ। कुणाल जी बताएं, नतीजों के बाद स्टॉक भी रिएक्ट करते हुए 500 के ऊपर आ रहा है सर। देखिए काफ़ी समय से करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक दीपांशु, काफ़ी सीवियर करेक्शन हुआ, उसके बाद एक कंसोलिडेशन भी पिछले 4-5 दिनों में हमने होता हुआ देखा है, कंसोलिडेशन पूरा हो गया है, इसकी पुष्टि होगी जब ये 512 रुपए के स्तर को पार करेगा, अभी 505 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, 512 के ऊपर अगर ये क्लोज दे देता है तो फिर खरीदारी की राय होगी, फिर मुझे लगता है ये 535-540 के लेवल्स तक जाएगा, तो फिलहाल वेट एंड वॉच करें, 512 के ऊपर नई खरीदारी करें। ओके, तो फिलहाल वेट एंड वॉच करें, 512 के ऊपर नई खरीदारी भी आपको करनी है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट अच्छे नतीजे इस पर आते हुए दिखे हैं, अच्छे एक्शन में हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के बाद मैं बात कर रहा हूँ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स की। सिमी जी जरा इसके चार्ट पर राय दें, सुबह हमने इस पर एक्सक्लूसिव खबर करी थी, वहां से स्टॉक एक्शन में है, 15% ऊपर इस समय आ रहा है, 66 के लेवल पर, कोई राय इस चार्ट पर?
दीपांशु काफी शानदार चार्ट है, इनफैक्ट रिसेंटली एक कंसोलिडेशन खत्म करके ये स्टॉक वापस से तेजी शो कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी 65 के ऊपर का क्लोजिंग मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगर ये आज 65 के ऊपर क्लोज करता है तो इसमें नेक्स्ट टारगेट 70 से 72 का होना चाहिए। और मेरे पास जो मेरा जो नजरिया इसके इसके लिए थोड़ा सा लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव के लिए से अगर देखेंगे तो 77 से 84 का टारगेट भी देखने को मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में बहुत पहले से है तो ये होल्ड ही करना चाहिए। और जो मैंने 65 का मैं क्लोजिंग बेसिस पर मैं वेट कर रही वॉच कर रही हूँ, आज का क्लोजिंग अगर आता है 65 के ऊपर तो कल ये यहाँ पे फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। 70 से 72 का मिनिमम टारगेट होगा और उसके बाद 77 से 84, बहुत बढ़िया शानदार पैटर्न है और एक कंसोलिडेशन के बाद आज फ्रेश ब्रेकआउट भी आया है, तो 65 क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी करने का भी सलाह होगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये है आपके लिए वेस्ट माफ कीजिए हिमाद्री, जहाँ पर अच्छा एक्शन है। एक्शन कुछ और स्टॉक्स में भी है जो बता रहे हैं हमें श्रीकांत जी, बिगुल श्रीकांत जी के लिए BTSTT। बताएं सर। दीपांशु देखिए, हमें लगता है कि टाटा पावर में एक अच्छी तेजी बन सकती है और अगर आप इसके पिछले पैटर्न को देखते हो तो एक बात क्लियरली समझ में आती है कि ये स्टॉक हाई फ्रिक्वेंसी में एंटर हो चुका है और अपने ब्रेकआउट के भी काफ़ी नज़दीक है। साथ ही साथ अगर आज के दिन में एक अच्छी जो एक वापस रिकवरी हमने देखी है वो क्लियरली एक आउट परफॉर्मेंस का इंडिकेशन भी दे रही है, तो करंट लेवल से टाटा पावर को बाय किया जा सकता है जो 253-254 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 248 का, 248 का, और हम टारगेट्स रखेंगे यहाँ पे थोड़े बड़े टारगेट्स वापस रखेंगे क्योंकि ये स्टॉक ब्रेकआउट के करीब है, तो 265 से लेकर 270 के टारगेट्स हमें लगता है कि ये एक या दो दिन में अचीव कर सकता है। ओके, तो ये है टाटा पावर्स पर राय आपके लिए इस वक्त आती हुई। कुणाल जी, राकेश जी को भी पसंद है ये शेयर और श्रीकांत जी को भी पसंद है इस वक्त। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ और नतीजे, और देवांशी तैयार होगी तो हम उनसे डिवीज लैब के नतीजों के बारे में भी अनुमान पूछेंगे, और उसके बाद आशीष भी आ रहे हैं, वो भी रिजल्ट के बहुत सारे अनुमान लेकर आ रहे हैं एक साथ, तो आशीष भी पहुँचने की तैयारी में। तब तक एक काम करते हैं, बिल्कुल एक हिमांशु जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, स्टॉक बताऊं उससे पहले एक अपडेट था हिमाद्री स्पेशलिटी में। अनिल जी, बहुत ही जबरदस्त टेक्निकल ब्रेकआउट है यहाँ पर, कुछ दिनों पहले यहाँ पर हमने एसपीएल मिड कैप में इसको कवर भी किया था और मुझे लगता है जिस तरह की डेवलपमेंट सब, जिस तरह से आज सुबह में मैं सुन रहा था कि यहाँ पर चैनल पर डिस्कशन हो रही थी, तो मुझे लगता है कि वो अनिल जी ये ऐसा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है जहाँ पर टेक्निकल फंडामेंटल दोनों ही बहुत ब्यूटीफुली जेल होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शॉर्ट टर्म के नजरिए चार्ट्स पर क्लियर कट पहला जो एक पड़ाव है वो 85 रुपए तक का है अनिल जी, जो कि शॉर्ट टर्म में आता हुआ नजर आ सकता है, तो मुझे लगता है कि आज की 13-14-15% की तेजी के बावजूद भी अभी भी यहाँ पर स्टॉक में शॉर्ट टू मीडियम टर्म परस्पेक्टिव से काफी अच्छी तेजी बची हुई है। अब अनिल जी, जो स्टॉक यहाँ पर मुझे पसंद आ रहा है वो है बजाज ऑटो। शो की शुरुआत में राकेश जी, कुणाल जी ने ऑटो सेक्टर की बात करी और बिल्कुल मैं एग्री करना चाहूंगा कि जिस तरह की स्ट्रेंथ और सेक्टर रोटेशन आज इस सेक्टर में आता हुआ नजर आया है, यहाँ पर अच्छे मूव हमको आते वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। बजाज ऑटो ने एक रेंज का कंसोलिडेशन दिया है और क्लियरली अपने 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है 3720 के आसपास उसके तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ऑप्शन डेटा भी देखते हैं जी, तो क्लियरली 3600 और 3700 के स्ट्राइक में जिस तरह का ओआई खड़ा है, क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पर बुल स्प्रेड बनाए गए हैं। 3600 की कॉल बाय करके 3700 में कॉल राइटिंग हुई है। मुझे लगता है कि बजाज ऑटो का रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, करंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 3610 के स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड में 3720 तक का टारगेट यहां पर आता हुआ नजर आ सकता है और साथ ही साथ ऑप्शन के जरिए निजी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो 3650 एट द मनी स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीद कर चलने की सलाह है। BTST 80-82 रुपीज के आसपास के करंट लेवल्स हैं, यहां पर 70 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 110 और 125 रुपए तक के टारगेट्स बजाज ऑटो की 3650 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज ऑटो, जहां पर आपको रखनी है नजर। इस बीच बाजार में थोड़ी गिरावट बढ़ी है, 17600 के नीचे हल्का सा निफ्टी आया और बैंक निफ्टी में करीब 125 पॉइंट्स की गिरावट है। 3950 के नीचे आपको निफ्टी बैंक आते हुए दिख रहा है। आइए, नतीजों की बात है, लूपिन के बारे में तो हमने जान लिया, अब जानते हैं डिवीज लैब यहाँ पर कैसी रह सकती है परफॉर्मेंस। देवांशी बताएं इसके बारे में।
बिल्कुल दीपांशु, शानदार नंबर्स आते हुए दिखेंगे डीवीज लैब के, जो आय है वो ऑलमोस्ट 24% तक बढ़ती हुई दिखेगी इस बार, और साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है वो भी 27% तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन आप देखिए 40% थे, वहां से बढ़कर 42% तक आने की उम्मीद लगाई जा रही है, जो उनके ओवरऑल जो हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेक्टर्स है वहां पर अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी, और इसी के चलते मुनाफा और मार्जिन बढ़ते हुए दिखेंगे। मुनाफा भी इस बार 33% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। इन ऑल नंबर्स इस बार डिवीज लैब से अच्छे ऑलमोस्ट स्ट्रांग रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। ओके, तो ये है डिवीज लैब, जहां पर रिजल्ट से पहले अच्छी मजबूती आपको नजर आएगी इस स्टॉक में। आइए तैयार है फोन लाइन पर नितिन जी, करते हैं उनका स्वागत। गुड आफ्टरनून नितिन सर, बताएं सर। देखिए वीकली एक्सपायरी है और मार्केट बिल्कुल सपोर्ट पे आ गई है, 17,550-500 सपोर्ट लेवल है, तो नेक्स्ट वीक की कॉल ऑप्शन हम लेंगे यहाँ पे, और ये हम लेंगे 17,600 की, जो अभी मुझे मिल रही है 160 रुपये में, और जिसका स्टॉप लॉस होगा 130 रुपये का, ये नेक्स्ट वीक की है, 130 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट इसके होंगे 225 के आसपास के, तो ये लेकर के चलेंगे, और 17,600 के आसपास करंट वीक में भी मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, तो एक्सपायरी ऐसे लग रहा है कि 17,600 के आसपास ही कहीं हो सकती है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीक की 17,600 की कॉल ऑप्शन इस लेवल पे ले रहा हूँ। यह है आपके लिए नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी, ना कि आज की, 17,600 की कॉल खरीद कर जाएं निफ्टी की। नितिन जी की तरफ से 160 में मिल रही है, 130 का स्टॉप लॉस और 225 के टारगेट सर। नितिन जी बैंक निफ्टी पर कोई कॉल सर? ओके, आई थिंक नितिन जी के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, बट नजर रखते हैं निफ्टी पर, भरोसा है वीकली एक्सपायरी है तो शायद उसकी वजह से जो थोड़ा दबाव इस पर आ रहा है उसी का इम्पैक्ट है, अदरवाइज यहां पर मूवमेंट परेशानी वाला नहीं होना चाहिए। थोड़ा गिरावट जरूर है, बट ITC पर अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिखा है, ये इंटरेस्टिंग है। नतीजे भी यूजुअली मार्केट आर्स में आ ही जाते हैं, देखते हैं आज भी आएंगे या नहीं, बट हल्का सा स्पाइक ITC पर आपको आते हुए दिख रहा है, डेज हाई पर काउंटर है इस समय नतीजों से पहले। कोलगेट भी अच्छा एक्शन में आ रहा है, इस पर भी रखें नज़र, और टाइटन ऑफकोर्स नतीजों के बाद मूवमेंट में आते हुए आपको दिख रहा है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु एक तो अपडेट, सुबह इंफोसिस का सेल कॉल दिया था, डेज लो पे ट्रेड कर रहा है, टारगेट के पास है। सुबह HPCL का सेल कॉल दिया था, डेज लो के पास है, तो जिन्होंने भी ट्रेड किया है या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें या प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं जहां पे उनको करना है वहां। दूसरा, अब जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है सेल कॉल, और स्टॉक का भाव चल रहा है 999,000। स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज के अंदर कल का लो ब्रेक हुआ है, स्टॉक के अंदर थोड़ी सी गिरावट आ रही है, मेरे को लग रहा है कि यहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। 1020 का इसके अंदर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली करें, यहां से नीचे के अंदर 980 रुपए से लेके 970 रुपए तक के लेवल आरती इंडस्ट्रीज के अंदर 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो प्योर ट्रेडिंग के लिए 1 से 2 दिनों के लिए बिकवाली करें आरती इंडस्ट्रीज में, 1020 का स्टॉप लॉस और 980 से 970 के टारगेट होंगे। आरती इंडस्ट्रीज पर करके चले बिकवाली, यहाँ पर आपको प्रेशर आते हुए दिख रहा है। केमिकल स्टॉक्स में भी अब हल्का सा रोटेशन शुरू हो गया, तो एक एक करके कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको बिकवाली का प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। बट कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके आने वाले हैं नतीजे, और जानते हैं आशीष के साथ क्या है एक्सपेक्टेशन बाजार की। आशीष बताएं क्या है यहाँ पर बाजार की एक्सपेक्टेशन। दीपांशु नतीजे कमजोर आएंगे लेकिन मार्जिन के बल पर, बाकी हर जगह अगर आप देखें तो आपको ग्रोथ नजर आएगी। सबसे पहले अगर आप देखें तो कंपनी की जो टॉप लाइन है, क्योंकि बिक्री काफी ठीक ठाक हुई है, क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट में करीब 12% की ग्रोथ आपको साल दर साल नजर आएगी, और फॉस्फेटिक सेगमेंट में भी अगर आप देखें तो 4% की ग्रोथ है, तो आय में तो 34% का इजाफा है। लेकिन एबिटा, क्योंकि आप देखिए सभी कंपनीज में हमने देखा है, फर्टिलाइजर हो, केमिकल कंपनीज हो, एग्रोकेमिकल्स हो, सबका लागत खर्च तिमाही में काफी बड़ा है, तो एबिटा में मामूली 2% का एक्सपांशन देखने को मिलेगा, और मार्जिन जो है वो करीब 14% से घटकर 11% रहेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा है ना, बाजार डिवाइडेड नजर आ रहा है। काफी रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि जिस प्रकार से कंपनी ने जो है तिमाही के दौरान प्राइस हाई किया है, हो सकता है कि मार्जिन इतने खराब देखने को ना मिले। पिछले साल 14% थे, ब्रॉडर बेस्ड अगर आप अनुमान देखें तो 11% के निकल कर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरप्राइज की उम्मीद है। मुनाफे में मामूली 5% की बढ़त नजर आएगी, 334 करोड़ से बढ़कर 350 करोड़। नतीजे ठीक है, सिर्फ मार्जिन यहाँ पर आपको क्लोजली वॉच करना होगा। तो यहाँ पर मार्जिन पर रखनी है नजर। जैन साहब यही परेशानी हो रही है फर्टिलाइजर कंपनीज की कि आय में तो बढ़िया बढ़त आएगी, सेल्स भी अच्छी हो रही है, बट मार्जिन पर थोड़ा दबाव रह सकता है। क्या अप्रोच रहनी चाहिए सर, और कोई स्टॉक फर्टिलाइजर स्पेस पे जहां पर आपकी नजर है?
नहीं बिल्कुल, देखिए तेजी में रहना चाहिए फर्टिलाइजर्स तो मुझे ठीक है, एक बार चंबल भी कल नीचे आया था, कोरोमंडल भी, और ये सब थोड़े बहुत करेक्शन दे रहे हैं, और बजट के पहले सब चले हुए स्टॉक्स थे, तो पोस्ट बजट टिपिकली बाय ऑन र्यूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज वाली बात होती है, बट फिर भी लगता है कि एग्री पे भी बजट में पूरा फोकस था और आगे भी आने वाले दिनों में, और कई फर्टिलाइजर्स की काफी स्कैर्सिटी है, तो मुझे तो लगता है कि ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे। इवन आरसीएफ रियली लुक्स गुड टू मी, कोरोमंडल एफएनओ का स्टॉक है, चंबल, ये दोनों अच्छा करेंगे। जीएनएफसी जीएसएफसी मैंने बजट के पहले जो प्री बजट पिक्स ली गई थी उसमें मैंने बात की थी सुबह सुबह। और दूसरी बात यह है कि और भी कई सारे स्टॉक्स हैं, छोटे स्टॉक्स जहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है, जैसे कि रामा फॉस्फेट्स है या खेतान केमिकल्स है, ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर नजरें बनी है। बाकी रिजल्ट्स काफी अच्छे ही आए हैं, और क्या है कि लास्ट क्वार्टर काफी अच्छा गया था और ये क्वार्टर हो सकता है थोड़ा सा लास्ट क्वार्टर से हल्का रहा है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मुझे लगता है कि अच्छी रहेंगे। सो ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन फर्टिलाइजर्स एंड आई एम वेरी बुलिश। ओके, तो ये आपके लिए कोरोमंडल, जहां पर आपको रखनी है नजर। धानी सर्विसेज, सुमित जी, ये इंटरेस्टिंग चार्ट है, आई थिंक वरुण थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे, कुछ बल्डीज भी हुई थी और यहाँ पर एक बड़ा स्पाइक आ रहा है सर, 13-14% की मूव है, आज 150 के ऊपर भी धानी आते हुए दिखा है, सुबह एक स्पाइक आया था फिर ऊपर ही स्टॉक ने कंसोलिडेट करा, फ्रेश मूव आई है, कोई राय इस चार्ट पर क्या चल रहा है सुमित जी? दीपांशु देखिए, एक डाउन ट्रेंड से स्टॉक के अंदर थोड़े रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं, स्टॉक में ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक पुल बैक अच्छा ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है, 135 से स्टॉक ऑलमोस्ट 15 रुपए तो अभी ऊपर आ चुका है और अभी यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, 165 से लेके 170 रुपए तक का मूव धानी सर्विसेज के अंदर देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें 165 से 170 के टारगेट्स के लिए, फ्रेश बाइंग उसके बाद देखेंगे, फिलहाल जिन्होंने ले रखा है वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके पोजीशंस होल्ड करें। आपके लिए धानी सर्विसेज, इस पर रखिएगा नजर, एक बड़ा स्पाइक काउंटर पर आ रहा है, एक अच्छा स्पाइक। बंसल जी, ये चार्ट आप देखें, ग्लैंड फार्मा इसके चार्ट पर आते हुए दिख रहा है, अभी अभी एक मूव आई है 3.5% ऊपर ग्लैंड फार्मा, कोई राय इस चार्ट पर सर? बिल्कुल दीपांशु, यहाँ पर अगर हम देखें तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन रही है और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल वीकली चार्ट से बन रही है, डेली चार्ट में देखें तो एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, और खास बात क्या है कि जो एक इसके अंदर करेक्शन आई थी उस करेक्शन के खत्म होने के संकेत है, तो टेक्निकली यहाँ पर खरीदारी की राय है, डिलीवरी के अंदर 3500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ये स्टॉक वापस ऊपर से 3750-3780 के लेवल अगले कुछ दिनों में दिखाने का दमखम रखता है। ओके, तो ये है आपके लिए ग्लैंड फार्मा, जिस पर एक अच्छी मूव आ रही है। आइए सिमी जी के पास चलते हैं, उन्होंने एक कॉल आइडेंटिफाई किया है, बिगुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, अभी मेरे पास एक एसटीबीटी का कॉल आया है सरप्राइजिंगली, मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त टूटने वाला है, स्टील सेक्टर फोकस में होगा और जेएसडब्ल्यू स्टील मेरा कैंडिडेट है जहां पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के लिए कहूंगी। एक रिकवरी मोड में था लगातार, ये लो से कल तक ये रिकवर किया था, कल ये इसका एक छोटा सा रिकवरी के बाद एक दोजी बना था, आज ये कल का लो अभी तोड़ने वाला है, मैंने 657 के आसपास देखा था, अभी मुझे लगता है कि 652-653 के आसपास स्पॉट में आ चुका है, मैं स्पॉट का ही लेवल्स दे रही हूँ दीपांशु। ये स्टॉक अगर 650 के नीचे जाता है तो मिनिमम टारगेट 645, 642 और 636 का हो सकता है, तो जेएसडब्ल्यू से क्योंकि मार्केट भी टूट रहा है, निफ्टी भी 17600 के नीचे है, हो सकता है सपोर्ट नज़दीक है, पर जब तक ये 17600 के नीचे मेंटेन करता रहेगा तब तक मुझे लगता है कि मार्केट में वीकनेस का स्टॉक अब ढूंढना पड़ेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील को खरीद सेल करके चलने का सलाह होगा, 645 का पहला टारगेट, 42 का दूसरा टारगेट और 636 का तीसरा टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील को सेल करके चलिए, 657-658 का स्पॉट का ही मैंने लेवल दिया है जहां पे स्टॉप लॉस लगाना है। सिमी जी, एक ही दिन तो मार्केट गिरा 5 दिन बढ़ने के बाद, आप बोले सेल का स्टॉक ही ढूंढना पड़ेगा, एक दिन में रोज कैसे बढ़ेगा बताओ? एक ही दिन अनिल जी, ये थोड़ा सा इफेक्ट है, हम लोगों का जो बजट स्टॉक एक्सचेंज में सभी के साथ मुलाकात हुआ ना, वहाँ पे आशु जी के साथ भी मेरा मुलाकात हुआ था और ये इंड्यूस्ड इफेक्ट है। आशु जी ने कहा था मुझको, सिमी क्योंकि मेरा सीनियर है, जो भी कहेगा मतलब सिमी पैसा अगर बनाना है तो सेल करना सीखो। मैंने सर आंखों पे रखा है, आज देखिए सारे स्टॉक मैंने देखा है कोई भी लेवल होल्ड नहीं हो रहा है अनिल जी, सुबह सुबह बैंक निफ्टी इतना अच्छा लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि बैंक निफ्टी भी 39300 का लेवल तोड़ेगा, अब देखिए निफ्टी इतना वीक हो चुका है कि बैंक निफ्टी को भी 39300 का लेवल तोड़वा के रखा है,
बैंक निफ्टी इतना वीक नहीं था, पर बैंक निफ्टी भी सपोर्ट को तोड़ दिया है अनिल जी। अब मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज करके देखना है, इसलिए मैंने लगा, मुझे लगा कि एक बार सेल करके देख ना, आप करो स्ट्रेटेजी चेंज करो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए, वक्त के साथ बदलना चाहिए। ये बताओ सिमी जी, इतने साल जो आप इतनी सक्सेसफुल है, देश के सबसे बड़े बिजनेस चैनल के एस्टीम पैनल पे आप बैठी हैं, एकमात्र महिला एक्सपर्ट है हमारी जिनका भसीन साहब तक इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, वो इतने सालों में सक्सेस, एक ही दिन में आशीष ने आपको शॉर्ट साइड में बदल दिया। नहीं, थोड़ा सा इफेक्ट है आशीष जी का, अब इंड्यूस्ड इफेक्ट है, अब देखते हैं कितना मेंटेन होता है आज का। ओके, हमारी गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम से ये निवेदन है कि सिमी जी और आशु जी को एक पैनल में आगे से कभी ना बिठाए। तो ये ध्यान रखें सिमी जी, अब तक आप है ना जो इतनी सक्सेसफुल हुई, आप अपनी अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी स्टाइल से हुई है, ये चक्कर में मत पड़ो, इधर उधर मत हो, आप जो एकदम बुलिश तेजी में वैसे रहती वही अच्छी लगती, वही अच्छी लगती, बराबर ना। बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर आता है सिमी जी की तरफ से शॉर्ट कॉल। फिलहाल जेएसडब्ल्यू स्टील बेचने की राय, और अगला बिगुल है हमारे हिमांशु गुप्ता जी के लिए। हिमांशु जी से मैं कॉल लूँ, उससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग खबर इस वक्त स्क्रीन पर चलती हुई दिख रही, वो ये कि वित्त वर्ष 2023 यानी कि पहली अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में LIC IDBI बैंक में अपना पूरा हिस्सा बेच सकती है। तो अभी अभी जो खबरें आ रही थी कि सरकार के द्वारा सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचने की खबरें हो, चाहे LIC की तरफ से IDBI बैंक में हिस्सेदारी बेचने की खबरें हो, ये खबरें आती हुई दिख रही है आपकी स्क्रीन पर। स्टॉक देखिए जबरदस्त सेक्शन में आता हूँ, मेरे ख्याल से 5% का सर्किट है लगता है जाकर रुक गया है, ये है IDBI का स्टॉक आपके लिए, ये खबर आती है 20%, अच्छा ज्यादा है, ओके तो इतना ही बढ़ना है इसको, ठीक है। हाँ, कभी कभी क्या वो 4.88 4.9 पे आके अटकता है, ऐसा लगता है जैसे सर्किट लगा, सर्किट वाला है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। और आजकल क्या पांच सबसे ज्यादा शेयर ही 5% सर्किट वाले होते हैं, बिल्कुल। तो चलिए IDBI बैंक के लिए ये खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है। और इस बीच आइए, हिमांशु जी बताने वाले थे अपनी पिक, बताएं सर। अनिल जी, एक जेन्युइन स्टॉक है जो अपने आप में काफी दिनों से कमजोर दिख रहा है, और आज यहाँ पर मुझे लगता है कि एक फ्रेश ब्रेकडाउन विजिबल है। स्टॉक है MCX का। अनिल जी, सभी क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ये स्टॉक काफी दिन से बना हुआ था, आज सुबह से यहाँ पर काफी विजिबली शॉर्ट बनते हुए नजर आए, और अभी साइकोलॉजिकली जो 1500 रुपए का एक सपोर्ट था उसके भी नीचे डिसाइसिवली क्लोज यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि MCX एक कमजोर काउंटर है और ये आने वाले दिनों में 1400 रुपए के नीचे भी जाता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल एसटीबीटी के लिए यहाँ पर MCX में खरीदारी की सलाह रहेगी 1494 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट रहेगा 1445 रुपए का, दूसरा टारगेट 1425 रुपए का, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1380-1385 रुपए तक के भी लेवल डाउनसाइड में दिखा सकता है। MCX में बिकवाली करके चलने की सलाह। ओके, सबको सब कुछ बेचना है और बेचना है MCX हमारे एक्सपर्ट्स को, और यहाँ पर 1494 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस 1400 बोले हम भी तो इतने सारे सब लोग बैठे थे, हमारा बिल्कुल असर नहीं पड़ा, खाली आशीष जी का ही पड़ा सिमी जी पे। हम तो एटर्नली बुलिश हैं अनिल जी, स्टॉक सी तेजी के ढूंढते हैं, ये मिल गया एक स्टॉक का। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त। इस बीच कोरोमंडल के नतीजे बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे, आय 5070 करोड़ की आई है, जो अभी आशीष अनुमान बता रहे थे वो 4733 का अनुमान था, तो अगर वहां से देखें तो आय पर 400 करोड़ का बीट आपको आते हुए दिखा, तो बड़ा बीट है आय पर, और कंपैरेटिवली 3533 करोड़ की आई थी, तो उसके सामने देखें तो ज़बरदस्त उछाल आय पर आपको आते हुए दिखा है। मुनाफा भी 334 करोड़ का से बढ़कर 382 करोड़ का आया है, हमने 350 करोड़ का अनुमान लगाया था, तो आशीष फर्स्ट कट पर तो अच्छे नंबर दिख रहे हैं। और इनफैक्ट सबसे बढ़िया बात है कि मार्जिन अगर आप देखें तो फर्दर ड्रॉप नहीं हुए, लेकिन कोई पॉजिटिव सरप्राइज भी देखने को नहीं मिला, 10.74% के जो मार्जिन, हमने अनुमान आपको बताया कि 10.8 बिल्कुल अनुमान बता, बिल्कुल अनुमान के मुताबिक जो मार्जिन है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्जिन को ही क्लोजली वॉच कर रहा है बाजार, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आया, पॉजिटिव भी नहीं आया, अनुमान के मुताबिक है। बिल्कुल, तो वो थोड़ा कॉस्ट प्रेशर जरूर रहा है इस पर, बट अदरवाइज आय और मुनाफा दोनों अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे आपको, तो ऑपरेशनली जो अनुमान लगाया था वही है, थोड़ा मार्जिन पर दबाव का एस्टिमेट था, बिल्कुल वैसा ही हुआ है, बट अदरवाइज टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों पर ही एक बीट किया है एक्सपेक्टेशंस पर, 6 रुपए का डिविडेंड के भी ऐलान किया, और स्टॉक नतीजों पर अब रिएक्ट कर रहा है, एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी, कोरोमंडल का चार्ट देखें सर, नतीजों के बाद 4% ऊपर।
बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है दीपांशु, चार्ट पर एक क्लियर ब्रेकआउट है मेरी राय में, इसको बीटीएसटी करके जाना चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए, और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। अगर आप इसके थोड़े से लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा बेस नीचे के लेवल्स पर बना है और उसका ब्रेकआउट आज बाजार बंद होते समय आता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर मुझे लगता है कि 860 रुपए तक का एक मूव देखने को मिलेगा, 865-870 के लेवल्स आएंगे, बाय करके चलें। यहां पर एक स्टॉप लॉस जो है वो 818 रुपए के आसपास रखें, होल्ड करें। पहला टारगेट 850, इवेंचुअल टारगेट 865 का होगा। ये तो ये है आपके लिए कोरोमंडल पर, नतीजे अच्छे आते हुए दिखे रहे हैं, अनुमान से बेहतर, ऑफ कोर्स मार्जिन्स पर दबाव का अनुमान लगाया था वो जरूर हुआ है। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, उनकी कॉल है तैयार, बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बिकवाली का कॉल आया है, प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है, और ये स्टॉक जब 625 पे ट्रेड करता था, जब मैंने कहा था कि स्टॉक का नाम है ICICI प्रू और इस स्टॉक में बिकवाली हुई है शुरू, अभी स्टॉक का भाव हो गया 550 रुपए, 548 रुपए फ्यूचर्स के अंदर, इस स्टॉक में अभी भी बिकवाली देखने को मिल रही है। मेरे को लग रहा है ये स्टॉक अभी यहां से और नीचे का लेवल दिखाएगा। स्टॉक के अंदर ऊपर में इमीडिएट हर्डल है 558 रुपए, 560 रुपए, यानी जब तक अभी ये ऊपर में 558 560 का लेवल नहीं तोड़ेगा तब तक इसमें सेल पोजीशंस होल्ड करना है और यहाँ पे फ्रेश सेलिंग करनी है। स्टॉक का जो नीचे में टारगेट देखने को मिल सकता है 540 रुपया, 530 रुपया, 530 इसका इमीडिएट शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग का टारगेट होगा। अगर 530 का लेवल इसने तोड़ा और उसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो ये स्टॉक 5-8% का करेक्शन 530 के बाद दिखाएगा। फिलहाल इमीडिएट टारगेट 540, 530 1-2 दिनों के अंदर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए ICICI प्रू जिसमें हो गई है सेलिंग शुरू और बिकवाली की राय आ चुकी है सुमित जी की तरफ से। 3M इंडिया के भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, 60 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 66 करोड़ का आया, 10% मुनाफे में बढ़त देखी है, ये है काउंटर आपके लिए। आइए जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और स्वागत करते हैं जय का, बिगुल कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या करना है। गुड आफ्टरनून टू दीपांशु, गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। पुट ऑप्शन खरीदना है 17300 के स्ट्राइक का, 10 फरवरी की एक्सपायरी का, 88 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 32 का आप लगाइए स्टॉप लॉस, 134 और 157 ये दो टारगेट्स के लिए 17300 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन निफ्टी का खरीदे। जो हिसाब से 17600 के नीचे आज बंद आ रहा है, शुडंट हैव हैपेंड इफ दैट्स हैपनिंग, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हमें और पेन यहाँ से देखने मिल सकता है, एंड करीब करीब 17,300-17,250 ये रेंज में निफ्टी आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो बेस्ट केस सिनेरियो 17,350 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं हमें। ऊपर में अब 17,750 की जो रेंज है दीपांशु, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी अब यहाँ से निकलने की। दोज लेवल्स आर टेकन ऑफ, प्रोबेबिलिटी है कि हम और थोड़ा पेन निफ्टी में देखने मिले, सो इसलिए पुट ऑप्शन खरीदने की राय है। अगले हफ्ते की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं ना जय आप? जी बिल्कुल, 10 फरवरी की एक्सपायरी। और एक बार तो दीप मॉर्निंग में दिया था, उसके टारगेट्स हासिल हो गए। बिल्कुल, एक बार जरा लेवल्स फिर से बता दीजिए। जी 88 के करीब खरीदना है, 134-157 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है, 17300 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन। ओके, और स्टॉप लॉस रहेगा? स्टॉप लॉस इसमें 32 करेगा, 32 का स्टॉप लॉस। ये आपके लिए जय की तरफ से पुट खरीदने की राय, और जय यहाँ से भी 200-250 पॉइंट्स की गिरावट देख रहे हैं, तो इनफैक्ट अनिल जी से भी इस पर एक सवाल पूछना, पर क्योंकि समय भी हो गया है तो आइए एक बार स्ट्रैटेजी का बिगुल बजा देते हैं और फिर जानते हैं अनिल जी से कि क्या व्यू बनाना है बाजार पर। वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है, इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, 575-550 की जो आपने बात फाइनल सपोर्ट की बात करी थी, बिल्कुल वहीं पर है निफ्टी, 39,050 पर है बैंक निफ्टी, डाउ फ्यूचर्स करीब 90 अंक कमजोर, तो थोड़ा फिसला है पिछले आधे एक घंटे में, नैस्डैक फ्यूचर्स तो ऑफकोर्स 2% की गिरावट, यूरोप के बाजार में सुस्त कारोबार, क्या है व्यू सर इस समय?
देखिए दीपा, हल्की सी कमजोरी बढ़ी है अमेरिका में, तो ऐसा लग रहा है जो जिस हिसाब से भारतीय बाजार डे लो पर बंद हो रहे हैं, आज इंटरेस्टिंग चीज ये कि किसी भी लेवल से साइजेबल रिकवरी आई नहीं है, नहीं आई है। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉप लॉस है 17,550 बेल, उसके करीब बंद हो रहा है। तो ये वो मतलब डाउटफुल वाले मामले में कि कल या तो रिकवर करना है तो भी यहाँ से करना है, और बंद होना तो भी नीचे यहीं से होना है। तो मतलब 17,575 की क्लोजिंग जो आपको बजट वाले दिन मिली थी, एवरेज क्लोजिंग लगभग उसी के आसपास आती हुई दिखेगी। तो थोड़ा कमजोरी का रुझान तो है, तो अपनी लॉन्ग पोजीशन जिस हिसाब से बंद हो रहा थोड़ी सी हल्की कर लें, क्या कल खरीद लें सुबह। अब ये पता नहीं कि आज ग्लोबल मार्केट्स खराब हो रहे हैं इस वजह से बंद है, इस वजह से कमजोर है, या फिर एक्सपायरी की वजह से। करेक्ट सर। सो थोड़ा सा हल्का रहें, फ्रेश पोजीशन ना बनाएं, कल बना लें। और मेरा ये मानना है कि जिन लेवल पर, हालांकि बैंक निफ्टी में अभी किसी तरह की समस्या नहीं है, अभी भी 39,000 के ऊपर बंद हो रहा है या उसके आसपास हो रहा है, तो ऐसे दिक्कत वाली बात बहुत नहीं है, लेकिन वो कम्फर्ट भी नहीं आ रहा। दिक्कत एक ही है दीप, और वो ये जो जिस लेवल की बात मैं 2:30 बजे भी आपको कर रहा था, जब 2:40 पे मैं स्ट्रेटजी बता रहा था कि अगर 17,575 के नीचे हम बंद होकर थोड़ा सा तोड़ते हैं, तो सीधा आपका जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो 17,250-17,350 की रेंज में आता है, यानी कि 250 पॉइंट की जगह खुल जाती है, बीच में कोई ढंगदांग की जगह नहीं है रुकने के लिए। तो वहां तक आप एक बार फिर से जा सकते हैं, और उसकी जाने की वजह ये है कि 16,850 से 17,800 तक की आपने एक तरफा, मतलब 800-900 ब्रॉडली 1,000 पॉइंट की आपने एक तेजी दिखाई, तो 1,000 पॉइंट की तेजी दिखाकर थोड़ा बहुत तो आप करेक्ट हो सकते Absolutely. हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक करेक्शन होता हुआ दिख रहा है, ये चीज है बस। तो थोड़ा और फिसल सकते हैं, तो एक दिन और इंतजार कर लें, आज क्लियर हो जाएगा आपको कि FIs के डेटा भी, एक्सपायरी का थोड़ा बहुत जो आज पोजीशन बनी वो भी, और ग्लोबल मार्केट भी मेक और ब्रेक वाला मामला, वैसे 3-4 दिन से अमेरिका बढ़ रहा, तो हो सकता कमजोर हो जाए तो हो भी जाए भारतीय बाजार, उसी को करें। तो लॉन्ग फ्रेश ना करें, जो है उसको 17,500 का पुट खरीद कर एक बार हेज कर लें, कि अगर बहुत ज़्यादा गैप से नीचे गुले तो ठीक है, नहीं तो सुबह सुबह अपने पुट से एग्जिट कर जाए, और बैंक निफ्टी में भी 38,700 के पुट के साथ हेज कर लें। हेजिंग जरूर रखें अगर आप लॉन्ग पे हैं तो। ओके, तो ये है आपके लिए राय, हेजिंग जरूर रखें लॉन्ग पर हैं तो। और इस समय थोड़े बाजार और फिसलते हुए दिख रहे हैं, 39,000 के नीचे बैंक निफ्टी भी अब आया है, 350 पॉइंट्स का कट इस पर आपको दिख रहा है। ये है इस समय बाजार का हाल। पर आइए, कोरोमंडल की तो बात हो गई है, PI इंडस्ट्रीज इसकी बात करते हैं। आशीष है हमारे साथ, आशीष बताइए क्या है यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नतीजों की। दीपांशु, नतीजे जो है मिले जुले इनफैक्ट ठीक ठाक कह सकते हैं। अगर आप आय में अगर आप देखें तो करीब 9% का इजाफा देखने को मिलेगा, कामकाजी मुनाफा मामूली 1.5% की बढ़त यहाँ पर आपको साल दर साल देखने को मिलेगी। और मार्जिन पर प्रेशर तो देखिए साफ है, पिछले साल करीब 24% थे, इस बार 2% की गिरावट देखने को मिलेगी, और मुनाफा जो है इनका फ्लैट रहेगा। 195% पिछले साल था, बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है 197, लेकिन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स में अगर आप देखें तो इनका प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया है। इनपुट कॉस्ट बढ़ा है तिमाही के दौरान, इसके चलते आपको मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिलेगा, 24% से घटकर 22%। नतीजे मिले जुले आएंगे, नतीजे मिले जुले हैं, कोई ज़्यादा खास एक्सपेक्टेशन कोई खास, 195 से 197 जो है मुनाफे का अनुमान है तो कोई है नहीं। और आई में भी अगर आप देखें तो केवल 9% का इजाफा है, और कामकाजी मुनाफा केवल 1.5%, तो कुछ ऐसे फायरवर्क्स आपको इधर साइड देखने को नहीं मिलेंगे, सुस्त नतीजे आएंगे। ओके, तो सुस्त नतीजे आने वाले हैं आपके लिए, PI इंडस्ट्रीज के नज़र रखिएगा इस चार्ट पर। बाजार में जो वीकनेस बढ़ रही है, आइए एक बार जरा कुछ जो की काउंटर्स हैं जो बाजार को ड्रैग कर रहे हैं वहीं पर हमारे एक्सपर्ट्स का व्यू ले लेते हैं कि अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। सुबह से ही कमज़ोर है NTPC, सुबह से ही कमज़ोर है HDFC, सुबह हम बात भी कर रहे थे सुमित जी के साथ और थोड़े और पेन की उन्होंने बात करी थी। इन्फोसिस पर आज फिर से पेन बन रहा है, और सुबह आपने शॉर्ट कॉल भी इन्फोसिस पर आती हुई देखी थी, थोड़ा जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से गिरावट आ सकती है, बिल्कुल वैसा ही होते हुए दिखा है। श्रीकांत जी भी हैं हमारे साथ, श्रीकांत जी क्या करना चाहिए सर अब इन्फोसिस पर आज की वीकनेस के बाद? बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इसमें एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर एक कंसोलिडेशन हो रहा है, और 1800 के करीब रेजिस्टेंस है, 1650 के करीब का सपोर्ट है, और चूंकि ये ओवरऑल सेक्टर में एक दबाव बना है, मुझे लगता है कि 1800 के लेवल्स को छूने के बाद वापस ही अपने लोअर बाउंड्री तक बिल्कुल जा सकता है, तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे भी शॉर्ट करके चल सकते हैं। और ओवरऑल IT में इनफैक्ट मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन का ही ट्रेंड रहेगा, तो करंट लेवल पे अगर शॉर्ट करते हैं अगर हम इन्फोसिस को 1735 में, तो हमें जो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा तकरीबन 1760 रुपये का, और टारगेट्स हम रखेंगे यहाँ पे 1670 और 1650 के। ओके, तो ये है आपके लिए राय इन्फोसिस पर। सुबह सुमित जी की तरफ से शॉर्ट कॉल भी आया था और टारगेट भी हिट हो गया, तो सुमित जी को बधाई इन्फोसिस के टारगेट हिट की, और अब यहाँ से और आप गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इस बीच DLF के लिए बहुत बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, और
कुछ नए लॉन्चेस करे हैं कंपनी ने, जिससे आगे की आय में एक बहुत ज्यादा बढ़त का अनुमान लगा रहे हैं। मैं ये फिगर भी कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ, 47,000 करोड़ सर आगे के नए लॉन्चेस, ये तो जबरदस्त अट्रैक्शन हो जाएगा कंपनी के लिए अगर नए लॉन्चेस से 47,000 करोड़ के आय का अनुमान कंपनी लगा रही है, तो बड़ा बड़ा डेवलपमेंट डीएलएफ के लिए आते हुए दिख रहा है। सेल्स रेवेन्यू टारगेट भी ऑब्वियसली इन्होंने बढ़ाया, अगर इतना जबरदस्त रिस्पांस मिलने ही वाला है तो ऑफकोर्स वहां पर भी आप गाइडेंस अपग्रेड आते हुए दिखेंगे। तो नए लॉन्चेस से कंपनी 47,000 करोड़ की आय का अनुमान लगा, ये बता रहे कि दूसरे क्वार्टर में 36 से 40 हजार करोड़ का सेल्स रेवेन्यू आ सकता है और तीसरे क्वार्टर में 47,000 करोड़ का सेल्स रेवेन्यू आ सकता है। वाओ, ये कहना है कंपनी का, ये तो माय गॉड, ये कंपनी ने अपने एनालिस्ट प्रेजेंटेशन में दिया है। तो 17% उनका रेवेन्यू बढ़कर आएगा, 35 मिलियन स्क्वायर फीट, ये है मतलब 350,000 स्क्वायर फीट, नहीं हाँ हाँ 35 मिलियन, तो ये नए लॉन्चेस के जरिए करने जा रहे हैं 35 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी, नहीं 35 मिलियन स्क्वायर फीट के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी, डीएलएफ के लिए काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है सर। मतलब 47,000 करोड़ का रेवेन्यू, और वे बोल रहे हैं प्राइसिंग पावर भी है और नए लॉन्चेस भी हैं, दोनों के चलते तभी आज डीएलएफ का स्टॉक बेहद मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है कि एनालिस्ट प्रेजेंटेशन के बाद ये खबर आपके लिए डीएलएफ पर आती हुई दिख रही है। तो आई थिंक इनके जो दिल्ली, गुड़गांव, चेन्नई, गुड़गांव के दो प्रोडक्ट्स हैं, नोएडा, ये कुछ है, और जो प्रीमियम लग्जरी हाउसिंग है, सब मिला के जो कंपनी ने प्रोजेक्शन दिया, बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्शन कंपनी की तरफ से आते हुए दिख रहा है सर। कुणाल जी से राय भी ली जाए डीएलएफ के चार्ट पर, कुणाल जी बढ़िया प्रोजेक्शन कंपनी की तरफ से, आई थिंक 430 के लेवल से थोड़ा करेक्ट होकर अब वापस स्टॉक मोमेंटम में आ रहे हैं, क्या करना है सर इस चार्ट में? देखिए बिल्कुल बने रहना है दीपांशु, देखिए नई खरीदारी का मौका बनेगा जब ये स्टॉक 425 के स्तरों को पार करेगा, तब चार्ट्स पर ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा, लेकिन जिनके पास है बिल्कुल बने रहें। यहां पर एक चैनल में कंसोलिडेशन चल रहा है, 425 के ऊपर जब डीएलएफ निकलेगा तो इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा और इसमें मुझे उम्मीद है कि 500 रुपए तक के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। और डिस्क्लेमर दीपांशु ये है कि मेरा इसमें निजी निवेश है कई सालों से। बिल्कुल कई सालों से निजी निवेश तो है, बट जो पोटेंशियल अब यहां से अपॉर्चुनिटी बन रही है ये काफी इंटरेस्टिंग है। जैन साहब आपके भी रेडार पर रहता है डीएलएफ और ये जो बात करें 47,000 करोड़ की आने वाले कुछ समय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से सेल्स, कैसे देखें सर इसे? बहुत ज्यादा सही भी नहीं पड़ा और मुझे थोड़ा सा, मैं दिल्ली बेस्ड रियल्टी को नहीं करके मैंने बैंगलोर बेस्ड और बॉम्बे बेस्ड रियल्टी स्टॉक्स को काफी बार रेकमेंड किया और वहां पे मैंने जब भी बात की, बट ये जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं ये बहुत बड़े हैं और इनफैक्ट जैसा अभी कुणाल जी ने कॉन्फिडेंस दिखाया, बात सही है कि ये हो सकता है ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है मतलब, और यहाँ से चल सकता है और बहुत सालों का अंडर परफॉर्मर है। अगर आप 2008 के लेवल्स देखें और उसके बाद भी जिस तरीके से इतने सालों का एक वो है, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, बट स्टिल आई विल गो विद गोदरेज, आई विल गो विद महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जो कि सबने रिकमेंड किया, तो वहां पे ध्यान दे। और बाकी एक मैं दिल्ली बेस्ड एक छोटा स्टॉक है जिनको मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता वो, क्योंकि जो जेवर एयरपोर्ट जो आ रहा है नोएडा में वहाँ के एल्डेको हाउसिंग है, चैनल चेक किया हूँ, जबरदस्त कंपनी है, तो उस पर ध्यान दिया जा सकता है। सो ओवरऑल रियल एस्टेट स्टॉक्स में आई एम वेरी बुलिश और मुझे लगता है और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, बट टॉप ऑफ द माइंड ये सारे मेरे रिकॉल में आए। तो ये है आपके लिए डीएलएफ, बड़ा पोटेंशियल कंपनी की तरफ से आते हुए दिख रहा है। आइए क्विकली जय से उनका जैकपॉट कॉल ले लेते हैं। जय बताइए। जी दीपांशु, दीपांशु बेचने की सलाह है और बेचने पुट ऑप्शन के थ्रू है, 165 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे आप ओएनजीसी का, 4.35 पे मिल रहा है दीप। यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा वो है 2.95 का, सो 4.35 पे खरीदे, 165 का पुट, 2.95 का स्टॉप लॉस रहेगा, 7.2 एंड 8.55 ये टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है। रीजन ओएनजीसी मुझे ऐसा लग रहा है कि 162 से 157 तक के लेवल्स इनफैक्ट दिखा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, सो हाई लेवल्स पर एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है एंड मुझे नहीं लगता कि अब 170 के ऊपर इजीली जाना चाहिए या तो बंद देना चाहिए, और जब तक वो नहीं होता आई थिंक डाउनसाइड देखने मिलेगी, तो रिस्क रिवॉर्ड इज फेवरेबल ऑन द पुट साइड और शॉर्ट साइड। बिल्कुल, तो अब थोड़ा बाजार में मुनाफा वसूली का वक्त आ गया है, थोड़े जो लेवल्स अनिल जी बात कर रहे थे 550 के वो भी निफ्टी ने तोड़े हैं, तो वहां से आपको प्रेशर भी बनते हुए दिख रहा है। और आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं, देखते हैं 550
क्लोजिंग पर होल्ड कर पाए गए या नहीं निफ्टी, बट डेफिनेटली आखिरी के फ्यू मिनट्स में एक्सपायरी प्रेशर भी है, वीकली एक्सपायरी ग्लोबल संकेत सुस्त हैं, अब डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट्स नीचे हैं, तो उसका इंपैक्ट हमारे बाजारों पर भी आपको आते हुए दिख रहा है। ब्रेथ अच्छी थी जब हम सुबह बाजार के साथ खुले थे, पर अब पूरी तरह से रिवर्स होकर सिर्फ 10 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में है। ऑटो स्टॉक्स ने आज जरूर होल्ड आउट किया है, हीरो मोटो बजाज और साथ ही मारुति यहां पर खरीदारी, डिवीज लैब नतीजों से पहले थोड़ा एक्शन, आईटीसी यूजली मार्केट आज में आ जाते हैं नतीजे आज पोस्ट मार्केट लग रहा है आएंगे, यहां पर भी हल्की सी खरीदारी रही। पर दूसरी तरफ एनटीपीसी सुबह से टॉप लूजर था, ये गिर के बंद हुआ। एचडीएफसी सुबह से टॉप लूजर था, यहां पर भी 3% की गिरावट आप देख रहे हैं। एसबीआई लाइफ इस पर वीकनेस है, इंफोसिस एलएनटी कोटक टेक महिंद्रा इंडसइंड बैंक यहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी, एचसीएल टेक कोल इंडिया एमएनएम ब्रिटानिया एचडीएफसी लाइफ विप्रो अदानी पोर्ट्स और श्री सीमेंट यहां पर भी आपने गिरावट देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए, यहां पर भी कुछ स्टॉक्स है जो आज के डिजास्टर से, गोदरेज प्रॉपर्टीज नतीजों के बाद ये 7% लुढ़कता हुआ, एमसीएक्स हिमांशु जी की शॉर्ट कॉल 5.5% नीचे, एमएनएम फाइनेंस नतीजों का रिएक्शन 5.5% की गिरावट, आईटी से आज सहारा नहीं मिला, एलएनटी टेक एम्फेसिस माइंडट्री इन तीनों मिड कैप आईटी काउंटर्स और साथ ही कोफोर्ज यहां पर भी वीकनेस बनती हुई देखी, एलएनटी इन्फोटेक भी 3% नीचे बंद हुआ। जुबिलेंट फूड नतीजों का हम विश्लेषण कर रहे थे वरुण के साथ, कल 4% गिरा था नतीजों के बाद, आज भी 3% नीचे ही है। डिक्सन टेक इसमें है गिरावट, हालांकि अंबर एंटरप्राइजेस आउट परफॉर्म कर रहा था, कमिंस इन्फोएज कोटक गुजरात गैस और नवीन फ्लोरिन यहां पर भी वीकनेस देखी। बलरामपुर चीनी बाकी शुगर स्टॉक्स को लीड करते हुए 6.5% ऊपर, टीवीएस अच्छी मूव 3.5% ऊपर, कोरोमंडल इंटरनेशनल नतीजों के बाद 3% ऊपर, चोला इन्वेस्टमेंट लॉरस लैब्स बंधन बैंक जीएनएफसी गोदरेज कंज्यूमर ग्रैन्यूल्स हिंदुस्तान कॉपर गेल और चंबल फर्टिलाइजर यहां पर भी आपने पॉजिटिविटी बनती हुई देखी है। कैश मार्केट में भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपने बड़ा एक्शन बनते हुए देखा, कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर कर लेते हैं फोकस इस समय। अच्छी मूव हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च के बाद 15% की तेजी, धानी में ब्लॉक डील हुई 13% ऊपर, ब्लू स्टार मैनेजमेंट से हमने बात करी न्यूज पर व्यूज में, बजट से उम्मीदें काफी ज्यादा थी सेक्टर की आई भी और केपेक्स प्लान से बड़ा फायदा होगा 10% ऊपर। असाई इंडिया ग्लास दीपक फर्टिलाइजर एक बार फिर से सर्किट पर लगते हुए, जीएमडीसी में खरीदारी, बॉम्बे डाइंग शारदा क्रॉपकेम आईआरबी इंफ्रा यहां पर भी अच्छी तेजी देखिए। तो अनिल जी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, थोड़े कैश स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म करा, पर निफ्टी 550 के नीचे सर 17,520 और निफ्टी बैंक भी 450 पॉइंट्स, अनडाउटेडली खराब क्लोजिंग है जी। और 17,575 के नीचे बंद होना अच्छा संकेत नहीं, क्योंकि बजट के दिन के नीचे के लेवल पर आप जाकर बंद हो रहे हैं, इसका मतलब या तो ग्लोबल मार्केट्स खराब होने वाले हैं या एफआईआई की बिकवाली है, दो में से एक चीज है जो, या हो सकता है आज दोनों ही कल सुबह जब हम वापस लौटे तो दोनों देखने को मिले, करेक्ट सर, तीनों में से कुछ भी पॉसिबल है दोनों तीनों में से, बट इसमें कोई डाउट नहीं कि आज के सेशन में जो क्लोजिंग मिली है खराब क्लोजिंग मिली है निफ्टी में, स्पेशली बैंक निफ्टी अभी भी खराब नहीं हुआ, बैंक निफ्टी 38,500 के नीचे ही खराब होगा बंद होने पर, तो बैंक निफ्टी ने अभी भी थोड़ा मोर्चा संभाल रखा, लेकिन आखिरी घंटे में कितना वो अकेला करेगा, जब और कहीं से सपोर्ट नहीं आ रहा तो बैंक्स भी जाना शुरू है। तो ये रहा अब तक का एक्शन, फाइनल क्लोजिंग आया उससे पहले बता दें कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी की खूब चर्चा हो रही है, जब से वित्त मंत्री ने इसका ऐलान किया तब से लोगों के मन में अलग अलग सवाल उठ रहे हैं, आरबीआई की डिजिटल करेंसी कैसी होगी, इसका ट्रांजेक्शन किस तरह से होगा, क्रिप्टो की तरह क्या इसकी भी माइनिंग होगी, और ये क्या इससे हटकर होगी, इसकी वैल्यू कैसे तय होगी, क्या क्रिप्टो की तरह इसकी भी ट्रेडिंग होने वाली है, ब्लॉकचेन पर है आधारित या कोई और टेक्नोलॉजी, ये ढेर सारे सवाल हैं, इनके जवाब मिलेंगे आज शाम 5 बजे आपको। डिजिटल करेंसी होगी कैसी, जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं एकम्ब्रम सीईओ क्रेजी बी और फाउंडर, इसके अलावा रिजु दत्ता साहब है कैश फ्री पेमेंट्स के डायरेक्टर, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम करेंगे मुलाकात, जानेंगे सर। इसके अलावा इरादे मजबूत हो तो कुछ भी करना मुमकिन नहीं है, और अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो, और सिर्फ इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे कि कितने पैसे लगेंगे, पैसे कहां से आएंगे, तो आज हम आपकी इस दुविधा को करेंगे दूर। स्टार्टअप खोलने के लिए कई सारी स्कीम्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सरकार की तरफ से स्टार्टअप के लिए टैक्स में छूट का फायदा भी ले सकते हैं, शाम 6:30 बजे हम आपको बताएंगे अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। मनी गुरु में देखिए छोटा आइडिया बड़ा बिजनेस, हमारे साथ होंगे विकास पुरी हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट के, और अनंत लड्डा फाउंडर इन्वेस्ट आज फॉर कल, इन दो से करेंगे हम खास मुलाकात। इसके अलावा रात 8 बजे रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद पर पूरी दुनिया की नज़र है, और इस विवाद में जहां एक और अमेरिका की एंट्री हो चुकी है तो भारत ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है, हर तरफ इसी की बातचीत हो रही, तो आज इंडिया 360 डिग्री में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि विवाद क्या है, और अगर रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध होता है तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। इस विवाद पर हमारी खास पेशकश यूक्रेन विवाद
कौन किसके साथ। इसके अलावा देश दुनिया की ढेर सारी खबरें आपके लिए होंगी, उन पर आपको करना है फोकस आज के शाम के पूरे कवरेज। बिल्कुल सर, फाइनल क्लोजिंग एक्चुअली सर नॉट बैड, 39,000 के ऊपर और 550 के ऊपर हो गई फाइनल क्लोजिंग। वही है तो आखिरी मिनटों में गिरा है ना, 17,550 हम इसीलिए क्लोजिंग स्टॉप लॉस देता है एग्जैक्टली उसके आसपास ही जाकर बंद हो रहा है। मैंने बोला ना आपको कंफ्यूज रखेगा, एग्जैक्टली जो आप बात, हाँ मतलब आप अगर वैसे देखा जाए तो प्रोविजनल क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, फाइनल क्लोजिंग बेसिस पे 17,550 दिया था वहीं पर जाकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी का भी 39,000 दिया था, बिल्कुल तो 39,000 के बिल्कुल करीब वहीं जाकर, अब ठीक है जिसने कर दिया तो भी ठीक, नहीं किया तो कल की कल देखी जाएगी, अब जो हो गया वो तो हो गया, बंद बाजार खत्म जी, डन फॉर द डे। ओके चलिए थैंक यू वेरी मच कर दें सबको। बिल्कुल सर, कुणाल जी, राकेश जी, सिमी जी और श्रीकांत जी, जैन साहब, जय ठक्कर साहब, जय अरे जय टाइकांग जी आपकी मुझे लगा आपने अपनी टाई सुमित जी को भेजी है, जरा देखिए चेक करवाइएगा कहीं ऐसा ना हो सुमित जी ले गए हो। हाँ दोनों को दिखाइए सुमित जी को, ना ना अरे नहीं नहीं क्या मुझे मत दिखाओ, मैं मुझे दिखा क्या करो, सुमित जी को और जय को दोनों को दिखाओ, अब फिर उसके बाद पता लग जाएगा। हाँ लग रहा है सुमित जी मिल गई सर, आप ही की टाई है आपको पता नहीं है वो सुमित जी वापस कर दीजिए मुझे ये भी ना तो चलिए मार्केट तो ऊपर नीचे चलते रहेंगे, रोज का काम है, कभी ऊपर कभी चार दिन ऊपर तो एक आध दिन नीचे भी सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सबसे निवेदन है जब भी आपको शाम को फुर्सत मिले, समय हो, सिमी जी को फोन करके उनका ब्रेन जो वॉश हो चुका है उसे वापस से ठीक करने की, चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश करें, तब तक हम आप सबसे लेंगे विदा। मुझे दीप को इजाजत दीजिए।